हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज़ाद आइस एकेडमी के बृहद प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले मैं कुछ अपने बारे में, मेरा नाम आशुतोष है और मैं बेसिकली आपके जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है आप आज़ाद आइस एकेडमी का, जो भी चीज़ें डिजिटलाइजेशन उसको मैनेज करते हैं और अपनी एक छोटी सी IT प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर हम रन करते हैं उसको। और सेकेंडरी चीज़ है कि हम और रवि भाई, जिनका आज बर्थडे है पहले फिलहाल, तो आपकी तरफ से मैं रवि भाई को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ भी देता हूँ। मैं और रवि भाई हम उस टाइम पे मिले थे कि जब हम अपने जीवन में संघर्ष के मूड में थे, है ना। हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठे थे और हमें एक रास्ता तय था वहाँ जाना। हम दोनों तैयारियाँ कर रहे थे और फिर से अलग अलग थोड़े से रास्ते हुए और हम चले। तैयारियाँ आज भी चल रही हैं। आज भी चल रही हैं, लेकिन आज हम फिर से यहाँ पर मिले हैं। मुझे लगता है कि जब हम ये चर्चा कर रहे थे कि हम किस मुद्दे पे बात करें, तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ ये जाएगी कि आज मैं स्टूडेंट का एज ए रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करूँ आपसे कि हम जो समस्याएं झेलते थे उस समय जी, आज उस पे चर्चा हो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पढ़ाई करना तो ये आपको ही करना है, वो आप सीखेंगे, वो तो रवि भाई हमेशा आपको इतनी बड़ी गाइडेंस देते आए, लेकिन लाइफ को मैनेज कैसे करें ये बड़ी बड़ी चीज़ है। आज के टाइम पे परिस्थितियाँ आपको हर समय चेंज करने की कोशिश करेंगी। आप जो चाहते हैं हो सकता है आपको वो ना मिले, आपको लगेगा कि यार ये मेरे लिए इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे साथ परिस्थितियाँ नहीं है ऐसी, है ना। बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है हमें। हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे सबसे बड़ी मनी प्रॉब्लम होती थी, सोचता था यार अगर 20,000 घर वाले दें तो मैं एक AC वाली लाइब्रेरी में चला जाऊँ, एक अच्छी कोचिंग कर लूँ, फिर फिट है, फिर मैं आराम से UPSC निकाल लूँगा। तो परिस्थितियों को कैसे मैनेज किया जाए जीवन में, अपने महत्व को कैसे ऊपर ले आके परिस्थितियों को मैनेज कैसे किया जाए, आज हम इस पर सिर्फ चर्चा करेंगे। स्टूडेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे झेला जाए, परिस्थितियों में भी चेंज ना हो जाए और अपने लक्ष्य तक पहुँचे कैसे, क्योंकि आज वो शख्स है जो एक लेवल पर है, जो इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। तो आज पूरी इस चर्चा का केंद्र सिर्फ ये रहेगा कि स्टूडेंट की समस्याएं। बिल्कुल, और मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपकी सारी समस्याएं रख सकूँ। आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट दें। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको आपको लगता है कि हाँ ये मेरी एक समस्या है जो इस चर्चा में नहीं हो पाई, या आपका कोई अनुभव है, इन दोनों को आप साझा करें ताकि औरों को बहुत हेल्प मिल सके। क्योंकि मैं, हो सकता कि मैं सबकी समस्याएं ना रख सकूं क्योंकि चर्चा का एक बहुत ही लिमिटेड दायरा होता है, मेरा भी दायरा है तो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम हर उस समस्याएं के विषय में बात करें। तो चर्चा का प्रारंभ, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बधाइयां एक बार फिर से। जीवन को मैनेज कैसे करें जी, अपने आप में स्थिरता कैसे लाएं, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। स्टूडेंट भी जानना चाहता है कि कैसे उसको बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे हम बने रहें। कहते हैं ना, ज़्यादा सुख में न सुखी है, ज़्यादा दुख में न दुखी, एक एक लेवल हमारा कैसे बना रहे, परिस्थितियों को हम झेल कैसे पाएं। तो सबसे पहले आशुतोष जी का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। मेरे साथ ये प्रकाश नागलकर जी हैं, महाराष्ट्र से हैं और बहुत ही बेहतरीन मित्र हैं। हमेशा मेरे साथ जो आशुतोष जी बैठे हैं, नागलकर जी बैठे हैं, जब कभी बुरी परिस्थितियां होती हैं अच्छे मित्र आपके काम आते हैं और हमेशा आपको ऊर्जान्वित करते रहते हैं। तो आप लोगों की ऊर्जा जो है वो हमेशा सतत बनी रहे, यही मुझे उपहार चाहिए और एक जीवन मेरे तरफ से भी रहेगा कि एक अच्छे मित्र की तरह आप लोगों जीवन के साथ में रहे। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। खुद अपना दोस्त हम चुन सकते हैं, रिश्तेदार हम चुन नहीं सकते। तो जैसा कि सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मुझे दिया है और मैं प्रयास करूंगा कि इस विषय पे आप सभी की जो समस्याएं उनका निदान कर सकूं। सबसे पहले सर मैं आपको यही बताऊंगा कि जीवन को हम जनरलाइज करके नहीं देख सकते। मेरे जीवन में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, सर के जीवन में क्या चल रहा है और सबके जीवन में क्या चल रहा है, उसे बहुत हम सामान्य दृष्टिकोण से नहीं देख सकते कि मेरा जीवन और आपके जीवन में शायद समानताएँ हों। बहुत कम ही होता है, बहुत रेयर होता है। कई बार होता है कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम्स है इनको सॉर्ट आउट कर दीजिए। मैं कहता हूँ आपका जीवन आपका है, आप उसे बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। मैं अपने जीवन को, क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ को कहा है कि जीवन एक अनुभव है और वो अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। आपके जीवन का अनुभव, मेरे जीवन का अनुभव सेम होना बड़ा एक सिनेरियो हो सकता है कि दोनों का जीवन सेम हो जाए, है ना। हर पर्सन यूनिक है और हम अंदर ऐसी यूनिकनेस है जो कहीं ना कहीं पे हमें बहुत अलग बनाती है सबसे।
मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी मानसिक अवस्था क्या है, मेरी परिस्थितियाँ क्या, वो सब जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं अपने जीवन का अनुभव आपके साथ साझा करूं या मेरी बायोग्राफी से आपको चीज़ें कुछ मिलें, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ चीज़ें आप निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो, बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी से कुछ समस्याओं को निकालते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जीवन में इन्होंने जैसे कि मुझसे प्रश्न दिया कि जीवन में स्थिरता कैसे आए, है ना, जैसे गीता में एक कहा गया है कि सुख में, दुख में, जय में, पराजय में, लाभ में, हानि में, है ना, हर समय पे आप समान अवस्था में रहें तो आप एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता, ये सब महात्मा बुद्धा के लक्षण हैं। हम एक आम पर्सन हैं और हमारे अंदर एक इतना स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति आ जाए, ये मुझे नहीं लगता कि सामान्य से अधिक होगा। फिर हम चले जाएंगे सोसाइटी को, हो सकता है अलग रूप में देखें। और हमारे समाज में बहुत सारे साधु संत हैं जो ये कहते हैं कि वो स्थिर प्रज्ञ हो चुके हैं, हम तो कम से कम स्थिर प्रज्ञ नहीं हैं। और मुझे ये चीज़ को लगता है कि हाँ, मैं नॉर्मल पुरुष हूँ। तो जो लगातार समस्याएं आपके लाइफ में आती हैं, वो चीज़ें डेली प्रतिदिन सबके लाइफ में आती हैं, हर दिन आती हैं। हम लोगों ने जब बेसिक शुरुआत की थी तैयारी में, तो एक स्टूडेंट के लाइफ की एक एक समस्याओं को झेला था। सुबह उठना, फिर वही किताबों को लेके बैठ जाना, है ना, फिर घर पे घर वालों का चेहरा याद आना, फिर पढ़ाई, खाने की समस्या। बेसिक प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, खाने की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे छात्रों के बीच में, पढ़ाई में मन नहीं लगने की समस्या, है ना। उनको लगता है कि आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के टाइम में पॉलिटी याद आती है, पॉलिटी के टाइम में ज्योग्राफी का मन बहुत लगता है, ज्योग्राफी के टाइम में इकोनॉमी याद आती है, और कभी कभी लगता है ये सब्जेक्ट छूट रहा है। हाँ, उसको वो एक जद्दोजहद में रहता है, लगता है ज़्यादा समेट ले, और उस चक्कर में लाइब्रेरी भी बन जाती हैं, द हिंदू भी आ रहा है, उसे भी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें, करंट अफेयर की न्यूज़ है, बहुत ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है, डेली पढ़ता है, डेली अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं पर छात्र जीवन कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा, आप यदि कहें कि छात्र जीवन में आप बहुत स्थिर रह के जी सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, स्थिरता से मेरा जो क्वेश्चन ये था कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कभी आपको बहुत अच्छी परिस्थिति, आप मान लीजिए जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक समस्या है, आप मान लीजिए इस हफ्ते सोमवार से पढ़ाई शुरू की, सोमवार, मंगलवार, रविवार, आप शुक्रवार तक मानिए कि सोम से लेकर शुक्रवार तक आपने सोचा था कि हम 5 घंटे डेली पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो सोमवार से बुधवार तक तो बिल्कुल सही चला, आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, अपने आप को खुश हैं, सातवें दिन हो या तो कोई दोस्त आ गया, कोई बर्थडे हो गया, कहीं आप चले गए, या कोई भी ऐसी परिस्थिति, या मन भी अपना मन डिस्टर्ब हो गया, आप कहीं चले गए, ऐसे में क्या होता है कि एक आदमी डिमोलाइज हो जाता है, अरे यार 2 दिन मेरा खराब हो गया, मैंने सोचा था शुक्रवार तो ये कंप्लीट कर लेना है, ये एक बड़ी समस्या आती है। जो आपने टारगेट बनाया, उस टारगेट को आपने अचीव नहीं किया, ये एक बड़ा मैं स्थिरता से मेरा ये है कि जब अच्छी परिस्थितियां थी तो ठीक है, जब विपरीत आई तो मैं डिमोलाइज हो गया, इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए कि कोई बात नहीं, ठीक है 2 दिन जो गुजरा वो भी अच्छे के लिए गुजरा, अब हम फिर से उसी प्लेटफॉर्म पे आए। मैं आपसे अब आपका बहुत बढ़िया से क्वेश्चन समझ पाया, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं ECG का। ECG आप निकालते हैं, अपने हार्ट बीट का, जो हमेशा आप होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो मतलब आप देखिए, आप ये आप कभी कभी मूवी वगैरह में देखते हैं ना कि डॉक्टर देख रहा होता है, एक लाइन है जो ऊपर नीचे चल रही होती है, है ना, तो ये दिखा रहा है, ये लाइफ की कहानी है। लाइफ में हमेशा अप्स डाउन आएंगे ही आपके, आप कभी बहुत मोटिवेट होंगे, शेयर मार्केट आपका बढ़ेगा, शेयर मार्केट का आपका कम भी होगा, घटना बढ़ना बनता रहता है। अब इसको हैंडल करना मुद्दा होता है, हैंडल करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये बढ़ना तो ये निशानी जिंदा रहने की, जब लाइन सीधी हो जाती है तो किस चीज का हो, डॉक्टर कहता है डेथ हो गया, खत्म हो गया, तो ये यदि जिंदगी है तो जिंदगी में सब मुद्दे आपके बने रहेंगे, कभी आपका शेयर मार्केट बढ़ा, कभी कम हुआ। अब बात है हैंडल करने की, हैंडल करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा रूल है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकता है, आपका अपना रूल हो सकता है, अपना मेरा अपना तरीका है। जब कभी कभी होता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ जाता है, कभी ऐसा लगता है कि शायद जो चीज़ों जिस पाथ में चल रहा हूँ उस पर कुछ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या पाथ सही है कि नहीं सही है, तो कहीं ना कहीं पर मुझे ये लगता है इस कंडीशन पर, इस पोजिशन में पहुँच के ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर मुझे थोड़ा सा अपने लक्ष्य को, जो मैं काम कर रहा हूं और जो मेरे काम करने का तरीका है, उसको एक बार रिव्यू करना चाहिए व्यक्ति को। अच्छा, ठीक है। और एक बात समझिए, सप्ताह में यदि आप पढ़ रहे हैं, है ना, या कोई काम करने वाले लोग हैं जो जॉब करते हैं, जो पढ़ रहे हैं, यहां तक कि मैं कहता हूं कि जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जो बहुत धनाढ्य लोग हैं, सप्ताह में एक दिन
आपको अपने लाइफ का ऐसा निकालना चाहिए जिसमें जो एक्टिविटी आप 6 दिन कर रहे हैं वो एक्टिविटी ना करें। अच्छा। संडे का दिन फ्री रखिए। अच्छा, है ना, कूल। उसको अपनी हॉबीज के ऊपर काम कीजिए, रिलैक्सेशन के ऊपर काम कीजिए, एक्स्ट्रा थिंकिंग के रूप में काम कीजिए। आप मशीन बन के मत रहिए। हम एक इमोशनल व्यक्ति हैं और जब तक अपने इमोशंस को हम मैनेज नहीं करना सीखेंगे ना, हमारे हर तरीके के इमोशंस हैं। हम चाह रहे हैं कुछ तरीके के इमोशंस बंद हो जाएं। ये कौन सी बात हुई, कुछ ही बहें, ये तो गलत बात हुई ना। आप क्यों कुछ इमोशंस को अपने अंदर, सिर्फ पढ़ाई चले, ये क्या बात हुई भाई, ये बात नहीं। आप हर तरीके का एंजॉय कीजिए। आप घूमना आपको यदि पसंद है, आप घूमिए। आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, एक दिन म्यूजिक सुनिए। थोड़ा काम कीजिए, नई हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ डेवलप कीजिए। तो आपको ऐसा नहीं कि आप एक मशीन बन के रहें। देखिए, बात रहती है पैसे की। पैसा कोई, मुझे लगता है, बैरियर नहीं होता आपकी लाइफ का। ये इनके इन प्रकार जिंदगी सब जी रहे हैं। आप देखेंगे जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी जिंदा है, जिसके पास बहुत कुछ है वो भी जिंदा है। समस्याएं सबकी अलग अलग होती हैं। दरअसल होता क्या है, स्टूडेंट लाइफ सबसे बेहतरीन लाइफ होती है, ये बहुत सुनते चले आए हम, ठीक है, लगता है कि। लेकिन उस टाइम पे हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है कि हमें बहुत पैसा मिल जाए। 4-5 हज़ार रुपये घर से आते हैं और 10-12 हज़ार रुपये यदि कमा लेंगे तो घर को भी शायद थोड़ा सा भेज दें हम। दरअसल उस समय घर की समस्याओं पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें लगता है घर की प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करना शुरू कर दें, है ना, जबकि वो हमारा टाइम नहीं, हमारा काम नहीं, वो घर की जिम्मेदारी किसी और को है, किसी और, है ना, वो जिम्मेदारी हमारे फादर की है, सब की है। तो जब स्टूडेंट इन सब परिस्थितियों पे आता है, आने के बाद वो डिस्ट्रैक्ट होता है, उसे लगता है कहीं जॉब ही कर लें छोटी सी, है ना। ये मेंटालिटी बहुत ज्यादा बच्चों में आती है। 1-1.5 साल तैयारी के बाद अगर नहीं हुआ फिर लगता है यार घर वाले कैसे करेंगे, क्या कहेंगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो कर लेंगे। आपको 25 साल तक उन्होंने खिलाया पिलाया है, है ना। 2-3 साल आप यदि और ले जाएंगे तो तब भी करेंगे। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ आप 36-35-36 साल तक भी चले जाए, इतना जाइएगा मत। क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं यदि आपको पता चल जाता है ना कि 1-2-3 साल में नहीं हो पा रहा आपसे, तो छोड़ दो, जो हो पा रहा उसे करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो स्टूडेंट लाइफ में आपको रिलैक्स होकर जीना चाहिए। ये एक बेस्ट टाइम आपको मिला है। अपने फादर से पूछिए, वो पैसे कमाते हैं बहुत अच्छे खासे, लेकिन उस पैसे का कोई महत्व नहीं। कल के दिन जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर बढ़ने वाली हैं। यदि आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो देश की जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां, आपको एक अथॉरिटी मिलेगी जिसको आपको निर्वहन करना पड़ेगा। बहुत पचड़े हैं, ऊपर के अधिकारियों के अपने पचड़े हैं, नीचे के अधिकारी, जब आप टीम वर्क करते हैं। अभी तो आपके इंडिविजुअल लाइफ है, सिर्फ 3 काम है आपके पास, खाना, सोना और पढ़ना। क्या इतना मैनेज नहीं कर सकते? जब आपकी लाइफ में दूसरा प्रवेश करेगा तब आप मैनेज ज्यादा अच्छा कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, भ्रम है, इल्यूजन है। तो स्टूडेंट लाइफ में यदि आपको 1-2 दिन बैरियर आता है तो उस बैरियर को आपको एंजॉय करना चाहिए। वो एंजॉय, वो उस मोमेंट को यदि आप एंजॉय नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर अगले दिन, भाई मंडे से फिर पढ़ना है ना आपको, फिर वो पूरा सप्ताह खराब कर देगा। हाँ, तो यही होता ही है। हाँ, यही होता है। और उसको लगता है 7-7 दिन मैं परेशान रहता हूँ। ऐसा नहीं है, आपने 1 दिन ब्रेकडाउन वाला नहीं बनाया। 1 दिन बनाइए, बढ़िया अपनी हॉबी का आनंद लीजिए, सोइए उस दिन, मैं कहता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, तो आनंद से अपने दिमाग को रिलैक्स दीजिए। वो सारी चीजें हैं जिन पे बच्चों को काम करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही आप अच्छे तरीके से इसको आपने समझाया है। 2 चीज़ें इसमें से एक निकलते हैं। एक तो ये है कि आप मशीन मत बनिए अपनी जिंदगी में, बिल्कुल, है ना। फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, आप उसके आनंद लीजिए, आप अपनी प्रायोरिटी रखिए और उसको आगे बढ़िए। ये मुझे एक अच्छी बात लगी आपके बातों से। लेकिन एक और बात निकल के आई इस चीज़ में से कि आपने कहा कि अगर आपसे नहीं होता 1-2 साल में तो आप ब्रेक डाउन लीजिए और एक निर्णय लीजिए। जी जी जी, आप अलग लीजिए। तो वो निर्णय कैसे लें, मतलब क्या हम माने कि हमसे नहीं हो पा रहा है या हमने रास्ता गलत। कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि अगर 1 साल में नहीं हुआ तो उनको लगता है कि नहीं, मैंने गलत रास्ता चूज़ किया। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आ रहा है, वो बीए किया है, एमए किया है, तो उसको लगता है यार झूठी में यूपीएससी, टीचर में चले जाते तो अब तक तो हम टीचर बन गए होते। क्योंकि कई बार देखता है कि एक स्टूडेंट उसका जो है हो गया। कई बार बीटेक से आता है, यार क्या फायदा करने से, यार बीटेक प्लेसमेंट नौकरी करते तो अब तक तो हो जाता। तो कई बार ऐसा लगता है कि निर्णय गलत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो निर्णय कैसे लिए जाए और अपने निर्णय पे हम स्थिर रहें या उसको एक हम गुणात्मक तैक में सोचें कि हाँ सही था या गलत सोचें और कैसे निर्णय। सर, ये बात तो आपने कह दी कि जो लोग ऑलरेडी पढ़ाई में कर रहे हैं और उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन कुछ लोग जो वेल सेटल है वो निर्णय लेते हैं कि हमें यूपीएससी करना है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये उलझाव है। जीवन में निर्णय कैसे लिया जाए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और एक निर्णय पे हमें जो है ना एक्शन अच्छे से लेके आगे बढ़ना है। देखिए, एक बहुत ही इसमें बहुत सटीक और बहुत आसानी से मैं आपको इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा कि लाइफ में जब आप डिसीजन लेने जाते हो
एक मोमेंट तो ऐसा होता है कि डिसीजन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, वो होता है एजुकेशन एकेडमिक लाइफ, जैसे 12वीं के बाद बच्चा बीए करूं, बीएससी करूं, बीकॉम करूं, बीटेक करूं, है ना, ये बच्चा जो है बड़े कॉन्फ्लिक्ट में रहता है और सोसाइटी कंफ्यूज करती है उसे। दूसरा डिसीजन ये रहता है कि ये तो हो गया एकेडमिक लाइफ, फिर ये होता है कि एकेडमिक लाइफ आप तभी चुनते हो ना जब आपको आने वाला करियर पता होता है, मुझे पता है कि बीकॉम करूंगा तो फिर मैं सीए वगैरह इस तरह इस लाइफ में जाऊंगा, बीटेक करूंगा मुझे इंजीनियर बनना है, है ना। मैं ऐसे ही कुछ नहीं कर रहा हूं, जो मैं ग्रेजुएट बन रहा हूँ, अब मैं साइंस, मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मैं थोड़ा ना आर्ट साइड से पढ़ाई करूँगा, ये मुझे पता होना चाहिए चीज़ों को लेकर के, है ना। मैं देखो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की जहाँ पे बात है बहुत डाइवर्सिफाइड है, यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं कि आप इस पृष्ठभूमि से हैं, यहाँ पे सबकी पृष्ठभूमि बराबर है, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि का बच्चा वो भी सिलेक्ट हो रहा है, यदि कोई नॉर्मल आर्ट्स से आ रहा है वो भी सिलेक्ट हो रहा है, कॉमर्स से सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे बहुत जनरलाइज है, आयोग ने ऐसा सिलेबस दे रखा है जो सबके लिए बराबर हो, है ना। उस सिलेबस में ये है कि भारत का एग्जाम है, भारत की सिविल सोसाइटी के लिए एग्जाम है, इसलिए उसमें भारत है पूरा, भारत की समस्याएं हैं उनका समाधान आपको ढूंढना है। मुद्दा इस बात का है कि हम अपने टारगेट को चुनते हैं, कुछ समय उसके साथ रहते हैं और रहने के बाद हम इसे क्विट करने की कोशिश करते हैं, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है। पहली बात ये, आप समझ लीजिए कि जो टारगेट आप चुन रहे हैं उस टारगेट में समय कितना लगने वाला है, ये बहुत जरूरी होता जानना, है ना। आपको ये तो पता होता कि बीटेक 4 साल में पूरा होता है, है ना, तो 8 साल भी कर सकते हैं, 4 साल में बीटेक पूरा होता है तो आप 4 साल तक तो कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब आप कंपटीशन में आते हैं तो 3 महीने पहले यदि कोई एग्जाम का फॉर्म निकला तो आप तुरंत चाहते हैं कि बस 3 महीने पहले फॉर्म भर दूं और तुरंत रिजल्ट आ जाए। आपने ये नहीं पता किया कि जो कंपटीशन की तैयारी, आप भारत जैसे देश में कंपटीशन की तैयारी, है ना, जहाँ 2-2, 3-3 करोड़ रेलवे में फॉर्म भरे जाते हो, यूपीएससी में 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हो, उस देश में आपको समझना पड़ेगा कि आपको इस कंपटीशन के योग्य बनना पड़ेगा, आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ रहे इसकी, है ना। यहाँ पे सिलेक्ट करने का एग्जाम नहीं, ये तो हटाने का एग्जाम है, या तो ये कि 10 लाख में एक बड़ी भीड़ हटानी है, सिलेक्शन नहीं, एलिमिनेशन है यहाँ पे, तो आपको ये मेथड समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा अपनी क्षमताओं को और एग्जाम की क्षमताओं को कि भैया सिलेबस खत्म कितने। अब आप 3 महीने पहले यूपीएससी के लिए आए, फॉर्म निकला, भर दिया, 100 रुपए का फॉर्म है, कोई बहुत महंगा नहीं है, एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद बैठे हुए डिमोटिवेट, फाफवाह फैला रहे हैं कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दिया था, निकलता नहीं है। अरे भैया आपने टाइम कितना दिया, पहले उसमें 18 से 20 महीने दीजिए प्रॉपर, अब आपके दिमाग में पहले ही बैठा लो, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ रिसर्च करिए चीज़ों को लेकर के, और पहले आप उस पर टाइम दीजिए, टाइम देने के बाद प्रॉपर जब आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, सिलेबस हो जाए, अच्छे से उसे समझ पाएं, फिर एग्जाम दीजिए, फिर 2 साल दीजिए। 2 साल आप एग्जाम देने के बाद नहीं हो रहा तो आप कुछ और कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप इतने क्लियर बन चुके होते हैं अपने लाइफ में कि आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आप कहीं ना कहीं पे कुछ कर जाएंगे, बड़ा कर जाएंगे। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, 2011 में मेरा इंटर क्वालिफाई हुआ, इसके बाद जो है बड़ा प्रॉब्लम थी, बीटेक आईआईटी, मैंने 2 साल आईआईटी में ख़राब किए, 1 साल मैंने 2010 में ही मेरा इंटर हो जाता, लेकिन 10 महीने इंटर छोड़ा ताकि आईआईटी के लिए एक चांस और मिल सके, क्योंकि हुआ नहीं था, तो 10 का इंटर मैंने 11 में पूरा किया। फिर ग्रेजुएशन लाइफ में आए, ग्रेजुएशन में क्या करें, जब आईआईटी नहीं हुआ तो फिर इधर आ गए, तो क्या होता है कि अब 3 साल पढ़ाई की, देखिए गाइडेंस का एक रोल है आपके लाइफ में, एक गुरु का होना, आपका गाइडेंस का होना, क्योंकि हर चीज़ हमें नहीं पता होती है, हमें दूसरों के अनुभव से सीखना पड़ेगा। बचपन में माँ अनुभव सिखाती है, माँ तो खाने तक की बात बताती है, चलना सिखाती है, वो भी एक अनुभव दे रही है ना, तो ऐसे ही किसी भी आप फील्ड में जाते हो तो आपको एक गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर कोई बताने वाला हो, समझाने वाला हो, लेकिन गाइडेंस सही देने वाला मिल जाए, ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होती है इस मार्ग में, तो सबसे ज्यादा यहाँ एक और एक चीज होती है सर, जैसे मैंने देखा है अपने अनुभव में कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपने टारगेट के प्रति निरंतर होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ना एक अलग प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि अब हमारा वीडियो देख लेंगे कुछ लोग, ठीक है, तो पढ़ाई में लग जाएंगे, ठीक है, 2-4 दिन तक कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, इतना करेंगे कि 24 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद सर उसके बाद ये कभी देखेंगे भी नहीं पढ़ाई तक, और चाहते रिजल्ट। मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, आतंकवादी और पुजारी के लोग, आतंकवादी और पुजारी का, आतंकवादी प्रवृत्ति के, जो आतंकवादी को क्या किया जाता है, एक पर्सन होता है जो उनका आका होता है, वो मोटिवेट करता है, और मोटिवेट कर देगा दुनिया भर की धर्म की बातें और दुनिया भर की चीज़ें बताएगा, ब्रेन वॉश करके, और उनसे कहेगा कि आप एक अपनी कौम के लिए जा रहे हैं, इसके लिए जा रहे हैं, और जाता है वो नहीं देखता कि किसको गोलियां चला रहा है, वो जाके बस तड़ मारता चला जाता है, और जब उसको थोड़ी देर बाद होश आता है कि मैंने क्या कर डाला, ये कौन सा चीज है ना, 2-4-6 घंटे, 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन, जिस लेवल का ब्रेन वॉश होगा उतने बाद उसको समझ में आने लग जाएगा कि मैंने गलत कर डाला, जिनको मैंने मारा मेरे से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, और फिर वो डिमोटिवेट होकर पड़ जाता है।
आप सोचो कसाब ने जब घटना की होगी, करने के बाद उसकी क्या मेंटालिटी कुछ समय तक रही होगी, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, या फिर जो भी हो, मान लो ब्रेन वॉश बड़े लेवल का किया गया तो हो सकता है उसे रियलाइजेशन होने में बहुत टाइम लग जाए। लेकिन एक होता पुजारी, पुजारी क्या करता है, उसका टाइम फिक्स है, 5 बजे उठना है, मंदिर साफ करना है, साफ करने के बाद आरती करना है, पूजा करना है ना, नमाज का टाइम है तो नमाज करना है। तो ये आपकी आपके अंदर की इनर वैल्यू है, आप कैसे पर्सन हो, क्या आप बहुत जल्द किसी बातों पे मोटिवेट, बहुत जल्द इम्प्रेस हो जाते हो किसी चीज को लेकर के, अट्रैक्ट कोई चीज बहुत जल्दी कर लेती है आपको, है ना। तो आपको ये चीज अपने अंदर समझनी पड़ेगी, यदि आपके अंदर ये चीज नहीं है कि आप रेगुलर रह पाते हो तो आप इस पे वर्क कीजिए, वर्क करिए, है ना। जब भी कभी हो कोई काम आप शुरू करें और वो चीज ब्रेक होने लगे, जैसे आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जिम में कभी जिम ट्रेनर से मिलिए और उसे पूछिए कि क्या होता, वो कहता है कि सर जैसे ही कोई मूवी आती है, जॉन अब्राहम की मूवी आ गई, किसी की मूवी आ गई, तुरंत ही लोगों को बस जोश आ जाता है कि नहीं चलना है, और लेकिन वो बस जैसे 7 दिनों का दर्द उनके शरीर पे आता है इसके बाद वो छोड़ छाड़ देते हैं। जी, उनका मनोबल किसी और की तरफ हम समस्या पर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस समस्याओं से भी बड़ी समस्या एक होती है सर कि एग्जामों में धांधली, पेपर लीक होना, इस समस्याओं को भी स्टूडेंट लाइफ से अब जोड़ा जा रहा है इस समस्या। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, मैं एग्जाम लेने वाली संस्था हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं एग्जाम लेने वाली संस्था हूं क्या? नहीं, मेरे पास अथॉरिटी है क्या एग्जाम की डेट मुझे निकालनी है? नहीं नहीं ना, नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज पता है, जब फॉर्म आएगा तो मैं भर सकता हूँ, एलिजिबिलिटी होगी तो नहीं, वो क्या होगा? स्टूडेंट पागल है, लोग धरने कर रहे हैं, लोग दुनिया भर के, ठीक है गलत चीज़ है तो गलत चीज़ के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो एग्जाम शेड्यूल में परिवर्तन हो रहा है, करप्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके लिए मशीनरी बनी हुई है देश में, और मशीनरी अच्छे से काम करेगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं करेगी तो नहीं होगा, आप मर जाओ, आप आवाज़ ही उठा सकते हो अपनी। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्र को जितनी उसकी अथॉरिटी है उतने तक ही सोचना चाहिए, ज़्यादा व्यर्थ की चीज़ों पे नहीं पढ़ना चाहिए। भाई मैं डेट निकालने वाला हूँ, मुझे 500 मैसेज आते हैं कब एग्जाम, अरे भैया आप पढ़ाई करो, तैयारी करके इतनी कर लो कि जब एग्जाम आ जाए तब आपका हो जाए, एग्जाम तो होगा है ना, ये रख लो, ये मत रखो कि फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी करना शुरू करें। आप आयोग के अध्यक्ष मत बनिए, वो आयोग के अध्यक्ष का डिसीजन है, वो करेंगे अपना काम। SSC था, बहुत सारे लोग जैसे डिस्टर्ब हुए SSC लोगों ने छोड़ दिया, दूसरी स्ट्रीम पकड़ ली, एग्जाम हो गया, जो लोग रेगुलर रहे बढ़िया निकल गए, है ना। अभी PCS डिस्टर्ब चल रहा है, कुछ रेगुलर होंगे कुछ, यही मौका होता है, आदमी लगे हुए हैं, जो लगे हुए हैं वो रिजल्ट निकाल देंगे, और जो छूट गए, मौका मिल गया ना उस लगे वाले को, उसको पता है कंपटीशन यहीं पे कम, तो ये बहुत बड़ा मौका होता है, जब कभी भी कोई आयोग डिस्टर्ब हो वहाँ पे आपके पास एक चांस मिलता है, क्योंकि एक भीड़ बहुत बड़ी कट चुकी होती है। तो आपकी अपनी अथॉरिटी, स्टूडेंट को अपनी अथॉरिटी से ऊपर सोचना ही नहीं चाहिए कि करप्शन हो रहा है क्या, और आप मत करिए, बस इतना आप कर सकते हैं, है ना। नहीं तो लोग कहते हैं बहती गंगा में हाथ धुलना चाहिए, सब कुछ नहीं होता, बहती बहती गंगा सब खत्म हो जाती है जब, अभी आयोगों में CBI लगी हुई है, मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य भारत की डेमोक्रेसी और हमारे कानून व्यवस्था पे कि परीक्षा नियंत्रक तक जेल जा रही है, न्यायिक हिरासत पे जा रही है, तो एक बड़ी मुद्दा है ये। तो आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तक ही सोचिए, उसके बाहर ना जाए, उस दायरे को क्रॉस ना करें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक आदत जो कभी कभी समस्या बन जाती है, ये स्टूडेंट जब तैयारी करने आता है, खासकर UPSC के या किसी कंपनी, तो एक बड़ी अच्छी आदत लेके आता है जो कभी कभी बाद में समस्या बन जाती है स्टूडेंट के लिए, वो है डेली रूटीन सेट करना प्लान करना है ना, दरअसल प्लान करना है? क्या करना है कि हम 6 बजे उठ जाएंगे, ये ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को मैंने एक नाम दिया, तो ऐसे प्रवृत्ति के लोग टालने वाले लोग होते हैं। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को झूठा दिलासा दिलाते हैं और डेली अपने शेड्यूल को टालते हैं। आज जैसे 12 घंटे का शेड्यूल बनाया, कल टालने के लिए उन्होंने उसको 16 कर दिया, तो उनको अंदर से आत्मा में आया कि सब बढ़िया ओके चल रहा है, मैं उसको कल 16 करके कवर कर लूंगा, कल से पूरी एनर्जी से लगूंगा, कल जगने में ही गड़बड़ हो गई उसके साथ, इसके बाद फिर वो टालेगा, फिर अगले दिन पे जाएगा, तो ये जिंदगी भर टालते रहते टालते रहते। एक जैसे इनका क्वेश्चन था उसमें रेगुलरिटी मेंटेन करने वाले लोग नहीं होते, है ना, वो अभी मोटिवेट हुए, पढ़ाई शुरू किए, और आपके क्वेश्चन में कि टालने, ये दो प्रवृत्तियां आपको खा जाएंगी आपकी सबसे, इसे बोलते हैं आलस्य। दीर्घसूत्री लोग काम को धीरे धीरे करेंगे, बड़ी बड़ी प्लानिंग करेंगे, अपने टारगेट छोटे छोटे सेट कीजिए। आज है, मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं 1 घंटे को, आप मुझे बताओ, मैं शाम को डिसाइड कर सकता हूँ कि शाम को मैं क्या करूँगा, मुझे पता है क्या सिचुएशन आ सकती है शाम को, मैं शाम को डिसाइड ही नहीं करता, मुझे पता है मैं 1 घंटे को रेगुलेट कर सकता हूँ, शायद ये जो मेरा आने वाला 1 घंटा है, मैं शायद इसे रेगुलेट करूँ। मैं अपना बताता हूँ, मैं कभी आपको अपना गूगल कैलेंडर दिखाऊंगा, मैं हर 1 घंटे में टाइम शेड्यूल सेट करता हूँ कि अगले 1 घंटे मुझे ये करना, अगले 1 घंटे में ये करना, अगले 1 घंटे में ये करना, अगले 1 घंटे में ये करना,
अच्छा, इससे क्या होता है मेरा हर एक घंटा व्यवस्थित होता चला जाता है, और पूरा दिन का जब मैं कैलेंडर उठा के देखता हूँ तो देखता हूँ सबसे प्रोडक्टिव डे है। मैं कभी ऐसा सेटिंग नहीं बनाता कि भाई साहब एक साल की मैं पहले सेटिंग बना के रख लो, वो कहाँ से निर्णय हो पाएगा। मैं बीमारी हो गया, गवर्नमेंट का फाइव ईयर प्लान काम नहीं कर रहा, इसलिए नीति आयोग लाया गया। हमारे तो ये चीज तो बहुत अच्छे मित्र है, उनकी बात याद आई, आप काफी इसको एंजॉय करेंगे। वो एक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जिसमें उनको पहले फिजिकल, मतलब फिजिकल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आप पहले एग्जाम निकाले उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो मैं एक दिन उनसे मिला तो वो डाइटिंग पे थे। अच्छा। तो मैंने पूछा कि भैया आप क्यों डाइटिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल चने वने खा रहे थे, कह रहे कि मैं वो फिजिकल की तैयारी कर रहा है। तो मैंने कहा एग्जाम आपका निकल गया, कह रहे नहीं एग्जाम तो अगले साल है। वो चना कब तक चलेगा। मुझे उस टाइम पे मतलब इतनी ऐसी, मैंने कहा कि आप पहले फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, पहले एग्जाम तो क्वालिफाई करिए। ठीक है, क्या होता है कि आप ये चीज अभी से डिजाइन कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन इसको आप रेगुलर ले पाए तब है। हाँ। चीजों को रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, लेकिन आप इतना लंबा मत लेके चलिए, कभी प्लानिंग इतनी लंबी मत बनाइए, क्योंकि जिंदगी आपके बुखार आपसे पूछ के आएगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये समस्या बन जाती है। हाँ, जब आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते फिर लगता है यार, फिर ऑटोमेटिक आपकी पूरी ऊर्जा खत्म। अभी मैं प्लान कर लूँ, अभी यहाँ पे देखिए माहौल बन रहा है बारिश वाला, प्लान कर लूँ यहीं बैठूंगा दो घंटे यहाँ पे काम करूंगा लिखूंगा पढ़ूंगा, बारिश हो गई मेरा प्लान ध्वस्त। तो हमको प्लानिंग एक घंटे का, आप एक घंटे का अपना प्लानर बना के चलो, अगला एक घंटा मैं बहुत अच्छा गुजारूंगा, 10 मिनट का ब्रेक, फिर अगला एक घंटे का प्लान बना लो, फिर देखो पूरा दिन कितना गजब का गुजरता है। मैं अपना पूरा का 18-18 घंटे यूटिलाइज कर लेता हूँ, क्योंकि हर एक घंटे में मुझे पता होता है, जैसे अब शरीर पूरा लिथार्जिक हो रहा है, मैंने प्लान कर दिया अगले 3 घंटे सोना है, 3 घंटे सोया। अब 3 घंटे में ये भी ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी होता है 3 घंटे में भी मन नहीं भरता, उसको बढ़ा के अगला 3 घंटा फिर प्लान कर दिया तो 6 निकल गया। लेकिन मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट रख रहा हूँ, पूरी तरह फुली कॉन्फिडेंस पर्सन हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने पूरे लाइफ को कंट्रोल करके चल रहा हूँ। ये करिए, ऐसा मत करिए कि एक कागज का पन्ना आपकी लाइफ को कंट्रोल करे, वो रूटीन आपको खा जाएगी। अच्छा, ऐसा स्टूडेंट लाइफ में आमतौर पर होता है। सर एक समस्याओं में एक और समस्या, अगर समस्या समझे जाए इसे तो उस पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो निर्णय लेता है कि स्टार्टिंग में मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, ठीक है, सेट कर चुका होता है गोल अपना कि नहीं यूपीएससी की तैयारी मुझे करना है, उसमें आईएएस या आईपीएस का पोस्ट जो होता है जैसे कि रूम में लगा के रखता है अपने कमर में, किताबों पे लिखा हुआ रहता है कि नहीं आई एम बिकम आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। एक समय बाद सर वही स्टूडेंट आते हैं, जैसे कि 2009 में अगर तैयारी कर रहे हैं तो अब 2019 है, एक समय में ऐसा आता है कि वो लड़का आपको 2009 से 2013-14 तक कहेगा कि नहीं आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ, एक समय जब आप 10 साल बाद उसे मिलते हैं तो वो कांस्टेबल लेवल की तैयारी तक पहुंच जाता है। तो ये एक समस्या माना जाए या फिर कमियां माना जाए या फिर ऐसी क्या चीजें होती है, क्या जो होता है यहाँ पे सिचुएशंस का भी रोल तो है। सिचुएशन कभी कभी क्या होगा कि मैं टारगेट बड़ा चुन लिया, घर की परिस्थितियां ऐसी बन गई कि मजबूरन मुझे कोई जॉब चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने अपने टारगेट को छोड़ दिया। मैं अपनी बताता हूँ, आईएएस के लिए निकले थे, आईएएस के लिए निकले हुए हैं आज भी, है ना, लेकिन टीचिंग लाइन एक ऐसा मुझे तरीका लगा जिसमें मुझे लगा, चूंकि मैंने देखा नज़दीक से बहुत सारे टीचरों को, कि इसके द्वारा मैं बड़ा दायरा क्रिएट कर सकता हूँ, है ना, मेरा दायरा बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है मैं बड़े अधिकारी बना सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो हमने लाइन चुनी, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने सिविल सबसे छोड़ दिया। तो मुद्दा ये नहीं कि आप जो टारगेट लेके चलते हो, आपको परिस्थितियाँ कभी कभी उस टारगेट, ये हो सकता है आपका एक बैकअप प्लान भी हो सकता है, आपको आईएएस चढ़ने के लिए एक सीढ़ी हो सकती है कांस्टेबल, है ना, कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे फिर आप करेंगे। अभी देखिए एग्जांपल है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 में श्याम बाबू करके एक जो है सेलेक्ट हुए हैं, कितना बड़ा एग्जांपल है, वो एक कांस्टेबल से एक डिप्टी एसपी बन रहे हैं, तो ये एक बड़ा रोल है, नहीं एसडीएम के पोस्ट शायद हो पाए हैं। तो मुद्दा इस बात का है कि ऐसा नहीं है कि आप इनको हल्के में लें, बच्चे की परेशानियां होती हैं, आप इस चीज़ को समझिए, मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूं, जब मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो मुझे कुछ भी फिर मिलता है तो मैं करने के लिए तैयार हो जाता हूं। लेकिन यदि आपको ऐसा है, आपने इसको क्रिएट खुद किया, जैसे घर को समझता हूं, घर में भी व्यवस्था है, चीज़ें घर वाले कर रहे हों, तो आप उसको ज़बरदस्ती थोपिए मत, चेंज मत करिए। आपको सौभाग्यशाली है कि आपको इतनी बड़ी तैयारी करने का मौका मिला है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला बच्चा अपने आप में बहुत योग्य होता है यदि ईमानदारी से तैयारी करे तो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि दूसरा लक्ष्य पा रहे हैं तो वो आपका सब्स्टिट्यूट होगा, आपको उस लक्ष्य हमेशा काटेगा। कल के दिन आप नहीं हो पाओगे तो अपने बच्चे को कोशिश करोगे कि ये बन जाए। जब आपको कोई टारगेट, कोई भी टारगेट चुनिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो जिंदगी भर आपको पिंच करेगा। हाँ, इस बात से मुझे एक बात याद आ गई सर, कि जैसे कि हम लोग किसी काम को कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली अगर जॉब कर रहा है तो उस काम को बहुत अच्छे से कर रहा है इसलिए उसको सैलरी मिल रही है, ठीक है,
तो स्टूडेंट लाइफ में मैं एक संदेश देना चाहूँगा स्टूडेंट लोगों को कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई आप काम के हिसाब से कीजिए, जो आपका काम है उस टाइप से, जैसे आपको कोई भी काम कर रहे हैं तो उस टाइप से पढ़ाई भी कीजिए, और जो आपको सैलरी मिल रही है वो घर वालों से मिल रही है, जो आपको रूम रेंट देना है, खाने पीने का खर्चा देना है, तो आप आपकी तैयारी में ईमानदारी से रहिए। तो ये एक चीज़ स्टूडेंट लोगों के लिए सही रहेगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उस दौरान आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं और उस काम को हम जितना बेहतर बना सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट आता है, एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, सेल्फ इस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आत्मसम्मान। घर वाले पैसे दे रहे हैं अच्छी बात है, घर वालों के पैसे हमें यूज करने चाहिए, घर वाले हमारे लिए कमा भी रहे हैं। वो किसके लिए कमा रहे हैं कि फादर मेरे ले जाएंगे मेरे साथ, वो इसलिए कमा रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिए, मेरी एक सेल्फ इस्टीम है, मेरा एक आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान बहुत इंपॉर्टेंट। एक पति अपनी पत्नी को पैसा देता है लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ये पत्नी खुद कामकाजी होती है। आपको सेल्फ इंडिपेंडेंस जो आपके अंदर का है वो हमेशा कटोटता रहेगा, चाहे जितना पैसा दे। हर स्टूडेंट को एक दो साल पैसे लेता है वो, लेकिन इसके बाद उसको लगता है कि यार अब नहीं मांगूंगा मैं, चाहे फादर जितने पैसे वाले क्यों ना हो, मैं हर स्टूडेंट की मन से इस चीज को पढ़ सकता हूँ। तो हम इस चीज को इस रूप में इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि सेल्फ इस्टीम है, वो आपको हमेशा रोकेगा, नहीं यार अब नहीं, अब कुछ कर लेते हैं, साथ में फिर कर लेते, कोई जरिया ढूंढ लेते हैं, जरिया ढूंढ लेते हैं, यही तो एक थोड़ा। लेकिन ये है कि यहाँ पे संभालने की जरूरत है, आप जरिया जरूर ढूंढिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा ना हो कि आप अपने लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को, ये मेन होता है। इसलिए दो साल बाद ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे होंगे, तो आदमी चेंज कर लेता है उसमें। मुझे लगता है कि ये बड़ी समस्या आ जाती है, मेरे साथ है। मैं बहुत कम अभी भी, जैसे कि इस अवधि में फाइनेंशियल क्राइसिस आए और काम करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं हुआ कि अपना लक्ष्य खत्म हो गया, लक्ष्य अपना चल रहा है, लक्ष्य भी ऐसा चुना गया जो हमारा जुड़ाव रखता है उस प्रिपरेशन से। आज बहुत बेहतर प्रिपरेशन करके मैं भी बैठा हुआ, ये एक बड़ी बात है। एग्जाम दिया जाएगा, अपने रिकॉर्डिंग दिया जाएगा जब चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि क्या होता है कि अब बहुत बड़ा ट्रस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर वालों पे आप कुछ प्रेशर बना के भी ना रखें, आप घर वालों पे भी थोड़ा बहुत प्रेशर, नहीं तो घर वाले आपके ऊपर प्रेशर बनाना चालू कर देंगे। कल के दिन हो सकता है कि आप उसे छोड़ना भी चाहें, तो आप घर को मैनेज करके उस टाइम पे चलिए। यदि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट, ऐसा ना हो जाए घर की सारी भूमिकाएं फिर आप अदा करने लग जाए कि नहीं फिर अब मैं कमाने लग गया हूँ, आप टेंशन छोड़ दीजिए। आप उस अवधि में अपने खर्चे उठाइए, सेल्फ इस्टीम अपने अंदर रखिए और मैनेज करिए उसको, और ज्यादा तनाव भटकिए नहीं, भटकिए, ये काफी चीज बनी रहती है जिंदगी को जो है, इस ये यही इम्पोर्टेंस रखता है, इसको जो है आपको समझना चाहिए। और यदि आप ये बात समझते हैं तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं पे फिर आप अपने टारगेट्स के साथ बने रहेंगे। ये तो आप मुद्दा ये है कि कभी कभी क्या होता है ना, जब आपके पास अभाव होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो टाइम, चूंकि एक ऐसा फेज होता है कि आपको लगता नहीं है कि आप जीवन में कभी आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ करेंगे या दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, कभी इस काबिल भी बन पाएंगे। आपको तो लगता है कि किस तरीके से मेरी हेल्प हो जाए खुद की, यही बहुत है, इनफ है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम मुद्दे बना करके उनको ये लगता है कि शायद ये मिल जाए, उतने से ही खुशियां हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहां तक देखिए, मैंने अपनी लाइफ में भी जितना, बहुत छोटी लाइफ है, बहुत ज़्यादा उम्र हुई नहीं है, इतनी कम उम्र में ये अनुभव किया है कि ये सब चीज़ें ना आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं देंगी, ये हैप्पीनेस की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है। ये आपको लगता है कि हैप्पीनेस है, जैसे कि मैं हमेशा एक बात अपने बच्चों से कहता हूँ कि आप आईएएस पीसीएस के लिए आज सोच रहे हो, ये सोचते हो ना कि आईएएस पीसीएस बन जाएंगे तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे, तोप कर लेंगे, आप लोग ये बात को निश्चित तौर पे समझ लो कि जब आप वो फेज में पहुंचोगे तो आपको और ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा तनाव होगा आपको, और ज़्यादा डिप्रेशन होगा। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो लाइफ वो थी अभावों वाली, वो ज़्यादा बेटर, वो ज़्यादा बेटर थी। वो कहीं ना कहीं पे ना, ये नहीं है कि इस लाइफ को हम इग्नोर कर रहे हैं या इस लाइफ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये लाइफ का एक अपना महत्व है और इस लाइफ का महत्व कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा ग्रोथ में रहेंगे। लेकिन दिक्कत जानते हैं कहाँ पर आ जाती है, जब आप अभावों से कभी कहीं ना कहीं पे एक जोन में क्रिएट करते हैं और जोन में क्रिएट करने के बाद आप भागना चालू कर देते हैं। पहले आपको लगता है, आज के टाइम पे खासकर सरकारी तंत्र की बात करें, सरकारी तंत्र में लगता है कि मुझे किसी तरीके से 10,000-5,000-20,000-50,000 की जॉब लग जाए, पहले तो ये मेंटेलिटी रहती है ना। स्टूडेंट को भी लगता है कि यार कुछ नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में ही कुछ हो जाए, मेरे खर्चे निकलने चालू हों। उसके बाद जो भागदौड़ चालू होती है कि नहीं लूटो, है ना, चीज़ों को जितना मिल जाए वो भी कम लगता है, उससे क्या होता है, आप अपना हैप्पीनेस खो बैठते हैं, और हैप्पीनेस खो बैठने के चक्कर में आप इंसान को इंसान के तौर पर नहीं लेते, आप हैवान बन जाते हैं उस कंडीशन में। आपको लगता है कि बस
अब मैं ही है, मेरे को ही सब मिलना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप देखिए इंडिया जैसे देश में कहीं ना कहीं पे जिस तरीके से यहाँ की डेमोक्रेसी क्रिएट की हमारे संविधान निर्माताओं ने, उस डेमोक्रेसी का जो जो स्वरूप है और उसको जो यूटिलाइज करने वाले लोग हैं, उस मशीनरी पे जो इन्वॉल्व हुए, कहीं ना कहीं पे इसके इम्पैक्ट को नहीं समझ पाए। और इम्पैक्ट को नहीं समझ पाने के कारण से जैसे ही उन पद प्रतिष्ठाओं में पहुँचे, चाहे वो धरातल से उठ के क्यों ना आए, वो कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, आने के बाद वो ऐसे जद्दोजहद में लग गए कि वो इंसान को इंसान समझना भूल चुके हैं। उनको लग रहा है कि बस किसी तरीके से मौका मिले इसको छल लो, छल लो। ये छलावे वाला जो जीवन है, ये कहीं ना कहीं पे इतना अपने आप में अजीब लगता है। कभी कभी ये लगता है कि कभी ऊपर से आप खड़े होकर देखिए, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद अनुभव लीजिए, दिल्ली जैसे शहर में या फिर कोई भी मेट्रोपॉलिटन शहर हो, वहाँ पे किसी ओवरब्रिज के ऊपर आप खड़े होकर देखिए सुकून से। मैं तो लगता है कि जैसे हम पहाड़ों में सुकून ढूंढने आए ना, हम महानगरों में भी सुकून ढूंढ सकते हैं। अच्छा, महानगरों का सुकून कैसे है कि ओवरब्रिज से आप एक बार देखेंगे तो आप एक पाएंगे कि लोग भाग रहे हैं, बस लोग भाग रहे हैं, पूरा दिन भागेंगे। आप पूरा 24 घंटे का टाइम लेकर के बैठ के देखते रहिए, बस सुकून शांति से बैठते देखिए, लोग भाग रहे हैं, बस कोई इधर से भाग रहा है, कोई उधर से भाग रहा है, इधर से भाग रहा है, उधर से भाग रहा है, दिन भर भाग रहे हैं। और उस साइकिल में वो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो जो लोग हैं वो भागते हुए कभी रुक के ये नहीं देख रहे कि मैं भाग किस दिशा में रहा हूँ। तो मुद्दा ये नहीं कि आप अभावों से अच्छी चीज़ों तक पहुँच जाते हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अभावों से अच्छी तक कभी ना कभी तक तो आप पहुँचेंगे, कभी ना कभी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन बात है उस कंडीशन में पहुँचने के बाद आप अपने भागने को कैसे कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, चीज़ों को कैसे व्यवस्थित कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस ये जो गुफ्तगू का ये मैं इसीलिए रखना ही चाहता था आपके साथ, क्योंकि वो एक जो ज़िंदगी अभी तक आप वीडियो देखते आए हैं आप सभी रवि भाई का, या तो वो एजुकेशन होता है, आपको थोड़ी प्रेरणा देता है, कुछ इमोशनल भी वीडियोस होते हैं, ये था कि हम अपनी वैल्यू समझें, है ना। बिल्कुल, हम अपनी एक वैल्यू समझें कि हमारी एक वैल्यू है इस समाज में, अपने खुद अपने अंदर और इस प्रकृति में। बहुत खूबसूरत, ये आपको सब कुछ दे रही है, आप इस संसार इस प्रकृति की सबसे खूबसूरत गिफ्ट हैं। बिल्कुल, आज हम उसकी वैल्यू खो चुके हैं। हम कभी कभी मैं जाता हूँ तो कुछ लोगों से, ये मेरा भी था, हम भी उस टाइम पे थे, हमसे कोई पूछता था कि आपका एम क्या है, तो हम कोई एक फाइनल डेस्टिनेशन बता देते थे कि हम ये तैयारी कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम बन जाए। जैसे यूपीएससी का आप सभी तैयारी करते तो कहते थे कि आईएएस बनना ज़िंदगी का एक एम है। तो कहीं ना कहीं हम वो जो वैल्यू है हमारी ना, हम उसको बहुत नीचे लेके जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये एक फिजिकल दुनिया का एक हमारा अचीवमेंट हो सकता है कि हम जो है आईएएस बन जाए, लेकिन एक हमारी एक वैल्यू हो, लास्ट में जब आप अपने जीवन के पड़ाव में आगे बढ़ें तो ये लगे कि हाँ हमने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया। कम से कम ये तो हम पा लें कि हमने अपने आप को जान लिया है, अपने और प्रकृति के संबंध को जान लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जीवन को अगर आपको सार्थक बनाना है, भले हम हो सकता है कि भौतिक दुनिया के उस सक्सेस को ना पा सकें, बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और वो आते आते किसी एक गवर्नमेंट जॉब पे जाते हैं, उनके अंदर एक मलाल रहता है, एक फ्रस्ट्रेशन अली रहता है कि यार मैं यूपीएससी नहीं कर पाया। वो उस जो जहाँ पे है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता है कि ठीक है सब चीज़ें इक्वल हो रही हैं, हमारे पास एक छोटा सा घर भी है, सब चीज़ ठीक है, उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं कि इसका क्या एक बड़ा रीज़न है और कैसे इस चीज़ से उभरो। कि आप जहाँ भी हो, जिस माहौल में भी हो, आप स्टूडेंट हो ठीक है, आप एक पढ़ाई का फेज है, लेकिन उस पढ़ाई के फेज में आप अपने आप को एंजॉय करो, उस जिंदगी के उस फेज को भी आप जियो। देखिए जीवन के बारे में यदि मैं बहुत आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो जीवन एक अनुभव का नाम है जो सतत हमें मिलता रहता है। जीवन कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे आप कह दें कि मैं जीवन को बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे अनुभव अधूरे हैं। या फिर कोई यदि 80 साल का बुजुर्ग हो चुका है और उससे यदि आप कह दीजिए कि जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो भी सही परिभाषा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके जीवन के भी कुछ अनुभव अधूरे हैं। हो सकता है जीवन के मरने का अनुभव भी वो भी अधूरा हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो जीवन एक समुच्चय है बहुत सारे अनुभवों का, और इन अनुभवों में दो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं, एक सक्सेस और एक फेलियर। ये दो चीज़ें हैं आपके जीवन में। कभी आपको कुछ चीज़ें लगेंगी अच्छा ये सक्सेस है, मेरा अचीवमेंट है, कभी कभी लगेगा ये मेरा फेलियर है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है, स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। मुझे लगता है कि बचपन से ही बच्चे के साथ उसको सक्सेस और फेल्योर को लेकर के ऐसा टॉर्चर उसका प्रारंभ होता है, ऐसा माहौल शुरू करते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं पे उस बच्चे को उसके अनुभव जो हैं ये सिखाना शुरू करते हैं कि फेल्योर कोई बहुत गंदी चीज़ है जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। कभी भी ये नहीं कहा जाता कि फेल्योर ही सबसे बेस्ट चीज़ है,
आप फेल हो रहे हो यदि किसी चीज़ में, इससे बढ़िया चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि आपको, क्योंकि मैं आमतौर पर बताता हूँ, हम लोग जब पढ़ते थे, दरअसल ईश्वर की कृपा से स्कूलिंग अच्छी जगह से हुई, तो वहाँ पे एक रहता था, जैसे मेरी भी बड़ी बड़ी मंशा थी कि कभी जो यूपी में जब 10th का क्लास की एग्ज़ाम होगा तो बड़ा अच्छा परसेंटेज आएगा, हम टॉप करेंगे या कुछ करेंगे। फिर हमारे क्लास से टॉपर भी आए, टॉपर आने के बाद जब 12वीं में गए तब वो टॉपर टॉप नहीं हो पाए, जो फेलोर हुआ था 10वीं में वो टॉप कर गया। ये आमतौर पर होता है। ये कारण क्या है? कारण ये है कि सक्सेसफुल पर्सन जो है उतनी गहराइयों से चीज़ों को नहीं समझ पाता जितना फेलियर वाला समझ पाता है। लेकिन इस सोसाइटी ने फेलियर को ऐसे क्रिएट किया है कि जैसे मैं फेल हो गया किसी चीज़ पे तो मैंने अपराध कर दिया। मुद्दा है समाज के समझने का, और स्टूडेंट के साथ ये पूरी प्रोग्रामिंग होती है उसके ब्रेन पे कि आप फेल होते ही आपको परेशान कर दिया जाता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि मैं फेल्योर हो गया तो मुझे खुद फ़र्क पड़ेगा, मैं फेल्योर होने के बाद इसलिए परेशान हूँ कि मेरे दोस्तों को क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी फैमिली को क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे रिलेटिव्स को भी क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मुद्दा मेन होता है, और इस मुद्दे के कारण से स्टूडेंट पागल रहता है। स्टूडेंट को ये चीज़ यदि समझ में आ जाए कि फेलियर और सक्सेस ये दोनों आपके लिए बनी है, आप इंजॉय करिए दोनों को, सक्सेस को भी एंजॉय कीजिए, फेलियर को भी एंजॉय कीजिए, ठीक है? सोसाइटी खड़ी सक्सेस के साथ है, नो डाउट, सोसाइटी फेलियर के साथ कभी नहीं खड़ी होगी। ये बहुत अच्छा कथन है कि हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को कोई नहीं करता है। तो मुद्दे की बात यह है कि कहीं ना कहीं पे छात्र जीवन में मुझे लगता है, जहां तक रेट की बात होती है, क्योंकि बहुत सारी आज के टाइम में मिसगाइडिंग बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट को इनिशियल फेज पे नहीं समझ में आता है कि वो करे क्या, है ना, उसमें बड़ा टाइम लग जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं पे कोई अचीवमेंट पाने के बाद भी उसको फेल्योर ही लगती है। मेरे पास इतने स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं कि सर मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में हूँ, कोई कहता है कि मैं इस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हूँ, कोई कहता है मैं पुलिस में हूँ, कोई कहता है मैं शिक्षक हूँ। आपने अचीवमेंट पाई है अपने लाइफ में, पाई ना तो, आपने एक फाइनेंस, उसको भी वो एंजॉय नहीं कर रहे होते, वो फेल्योर के दौर पर लेते हैं, वहाँ नहीं पहुँचे। तो मुद्दा यह है कि जीवन के हर पल को, हर पल को आप इंजॉय कर सकते हैं यदि आप एक मैनेजमेंट सीख लें सक्सेस और फेल्योर का। अपने नज़रिए से फेलियर को देखिए, अपने नज़रिए से सक्सेस को देखिए। आप बाहरी जो आपका जितना भी बाहर से आपको दिखता है कि बाहर वाला आपको इफेक्ट करेगा, मैं हमेशा एक शब्द प्रयोग करता हूँ, शायद इस शब्द से आपको बहुत अच्छा लगे, मैं कहता हूँ कि हमारा जो ये शरीर है ना, इस बॉडी के मालिक हम खुद ना होकर इसे कभी कभी हम किराए का घर समझ लेते हैं। किराए का घर किस रूप में, हमें लगता है कि किराए के घर में जैसे मकान मालिक कोई और है हमारा, समझ रहे हैं ना मुद्दे को, मकान मालिक कैसा टॉर्चर करता है सब जानते हैं, क्योंकि सब किराए ना किराए के घरों में समझ चुके होते हैं। ऐसा लगता है हमें किसी को रेंट देना है, है ना, हमें किसी का लाइट बिल भरना है, किसी का पानी बिल, अरे भाई हम मालिक हैं इस बॉडी के, है ना, ये है हमारा मालिक, तो हम डिसाइड करेंगे ना कि मेरे लाइफ में फेलियर और सक्सेस का क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ये इंपॉर्टेंट है, और इस वैल्यू को लोगों को समझने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लग जाता है, कितना उलझाव भरी जिंदगी होती है, घर वाले कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं मुद्दे को, गार्जियन भी अपनी भूमिका को सही से अदा नहीं करते इस मुद्दे पे, उनको लगता है कि बच्चा बिल्कुल अपराध कर रहा है उनका, है ना, थोड़ा सा फेल हुआ अपराध हो गया। तो ये सब चीज़ें एक इंपॉर्टेंस रोल अदा करती हैं। सोसाइटी जब कभी एक्सेप्ट करे ना करे, सोसाइटी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आप सोसाइटी को रिवॉल्व करने वाले आप ही बनेंगे। तो स्टूडेंट लाइफ में ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर पल का एंजॉयमेंट कीजिए। यदि आप 5 बार फेल हो चुके हैं तो समझिए कि आपसे बड़ी तोप चीज़ कोई नहीं होगा, क्योंकि आपसे, आपके पास जो अनुभव होगा वो पहली बार सक्सेसफुल वाले पर्सन के पास नहीं होने वाला है, ठीक है? बस मुद्दा ये है कि आपको सोसाइटी ने दूसरी तरीके से उसको उलझा रखा, बस कहानी यहाँ पे आके फंस गई। हाँ, ये बात ये कह सकते हैं कि जो फेल हुआ है, जो पाँचवें पे अटेम्प्ट में अगर जो समझो क्वालिफाई करता था, ऐसा कह सकते हैं हम कि उसके पास 5 गुना ज्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर चुका अनुभव है, क्योंकि अनुभव है उस चीज के पास, और उस अनुभव को वो साझा कर रहा है, उस अनुभव को बता रहा है कि किस तरह से जो है आपको हार नहीं माना है, लास्ट स्टेज तक ट्राई तो करना है, पूरे लास्ट स्टेज तक आपको ट्राई करना है। लेकिन एक बात समझते हैं ना, अनुभव है लेकिन सोसाइटी उस अनुभव को वैल्यू नहीं देती, मुद्दा इस बात को है, सोसाइटी को लगता है कि यार ये बंदा फेल्योर होके आया है, वो कहता है दिल्ली से आए हो, अरे कुछ नहीं कर पाए, इतना घर में बहुत बच्चों को, मेरे मैक्सिमम बच्चे मुझे यही बताते हैं कि घर जाके जवाब मांगे जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग जवाब मांगते हैं जो उन्होंने कुछ नहीं अचीव किया होता अपनी लाइफ में, उस बंदे ने कम से कम, ज्यादातर वही लोग मांगते हैं जिन्होंने सर, ऐसे लोग भी मानते हैं जिन्हें कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ पता नहीं, आप तो दिल्ली थे, हमें लगा कि आप तो बनकर ही आ जाएंगे वहाँ से, लोग समझ नहीं पाते बात को, अब देखते कंपैरिजन करते हैं लोग, देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लोग अमूमन लोगों के साथ घटती है, जैसे कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, कोई आपका दोस्त बैठकर दिल्ली में ही लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, आपका समय, आपको पता है कि आपको समय लगेगा आईएएस की तैयारी में, समय लगेगा, ठीक है,
आप ही का दोस्त आप ही के साथ लोअर पीसीएस में क्वालिफाई कर जाता है, चाहे वो क्लास सी की पोस्ट क्यों ना हो, ठीक है, और फिर आपको कंपेयर किया जाता है उसके साथ, आपको नॉलेज में कंपेयर किया जाता है। आपने तो लोअर पीसीएस एक सम्माननीय बात कर दी, मैं आपको कंपैरिजन किस लेवल का होता है, यदि पड़ोस में दो बच्चे हैं, एक बच्चा चला गया, बगल वाले एक बच्चे ने गुमटी की दुकान खोल ली, पान की दुकान, और 10-20-50 रुपए डेली घर को देता है, और एक बच्चा जो है एजुकेशन के लिए घर से निकल गया, इस लेवल का कंपेयर होता है कि देखो पड़ोसी के बच्चे को, है ना। और एक चीज इनकम अर्निंग हो रहा है, एक चीज और मुझे एक चीज इसमें और मैं देखता हूँ हमेशा, हमारे मन में भी लगता है यार ये कम से कम कुछ भी हो कमा रहा है, ये कुछ तो दे रहा है अपने घर को। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ पाते कि आपका जो वे ऑफ लाइफ है, आपने जो सेलेक्ट किया अपनी ज़िंदगी में, आपका दोस्त इंजीनियर बन रहा है, आपका दोस्त कोई एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, आपका दोस्त कोई दुकान कर रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है आपको। आपने जो लाइफ डिसाइड की है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो वे ऑफ लाइफ, क्योंकि जब आप बनोगे तब वो पूरा ज़िंदगी खपा देगा, आपका बनते ही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। यदि मुझे पता हो कि मैं इस हिमालय पर्वत को चढ़ूंगा तो चढ़ने के बाद मैं दुनिया की जो एवरेस्ट पीक है, मैं उसके ऊपर चढ़ने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट में होऊंगा, यदि आपको ये पता हो, या फिर ये पता हो कि जब मैं इस चढ़ाई को चढ़ के जाऊंगा तो बिल्कुल शांत होगा, सुकून होगा, तो मुझे चढ़ने में कोई दिक्कत आनी चाहिए। दिक्कत ये है कि मुझे संदेह हो गया है कि ऊपर जाऊंगा शायद छलावा ना हो जाए। ये वास्तविक बात है कि जब आप सिविल सर्विसेज में प्रवेश कर जाते हैं, उस लिस्ट में नाम आपका आता है, उसके बाद आपकी लाइफ बदलती है। लेकिन दरअसल है क्या कि बच्चों को इस चीज़ को लेकर के इतना मोटिवेशन नहीं होता उनको, वो फिर क्या होता है, शुरुआत करने तो कुछ और आए थे, हाँ, और शुरू करने कुछ और लगते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा इसका है। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ये एक रीज़न है कि पहले इंसान हम क्या होता है, अभी आज की ज़िंदगी में हम खुद को न जानने से पहले हमें खुद को जानना चाहिए, हमारा हम क्या हैं, हमको कैसे क्या करना हमारी है, हम तुरंत दुनिया को जानने लगते हैं, दुनिया के किसी एक मुद्दे को पकड़ लेते हैं, एक एक यूपीएससी करना है, आपको इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी बनना है, और फिर उसके एक मुझे लगता है सबसे पहले जरूरी आपको खुद को जानना है ना। आप किसी लेवल पे तभी पहुंच पाएंगे कि जब आप खुद को खुद से मिल पाएंगे, मेरा ये मानना है। जैसा आप अभी आपको हम आ रहे थे, एक छोटा सा डिस्कशन हुआ था बुद्ध के बारे में कि बुद्ध को बिल्कुल ही सब चीज़ सुविधाओं से दे दिया जाए ताकि वो किसी चीज़ से ग्रसित ना हो सके, लेकिन जब उन्होंने देखा और खुद को अनुभव किया तो वो बिल्कुल अलग ही रास्ते पे चले गए। तो जिंदगी में सबसे अब वही लोग सक्सेस हुए जिन्होंने पहले खुद को जान लिया है ना, चाहे वो कोई हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री जी हों। मुझे तो सबसे बड़ी विडम्बना ये लगती है कि लोग फॉलोअर बन के रह जाते हैं, हाँ। बुद्धा ने कभी नहीं सोचा था कि लोग कभी मेरी पूर्ति बनाएंगे, पूजा करेंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक धर्म की स्थापना करने जा रहा हूँ। उन्होंने तो यही कहा था कि जिस तरीके से मैं अपने जीवन की खोज करने निकला हूँ, आप भी चार आर्य सत्यों के माध्यम से अपने जीवन की खोज कीजिए, अष्टांगिक मार्ग का जीवन जीजिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे फॉलोअर बन जाइए और मेरी लाइफ को आप कॉपी करना शुरू कीजिए। कॉपी करिए, नो डाउट, उन्होंने एक ऐसी लाइफ क्रिएट की है, कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी विषय हो, उन्होंने हमेशा कहा कि आप फॉलोअर मत बनिए। लेकिन दरअसल हो क्या गया, बस हम जा करके, वो ब्रेन लेवल की बात भी होती है, आपका मस्तिष्क का स्तर ऐसा नहीं है। इसका सबसे निगेटिव पॉइंट जो मुझे देखने को मिलता है ना कि जब हमें जिंदगी में एक निर्णय लेना होता है तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये रास्ता अच्छा है और ये रास्ता खराब, और उस टाइम पे हम खोजते हैं कोई ऐसा एक बंदा मिले जो हमें गाइड कर दे। आज इंडिया में ये भी बड़ी चीज़ है, आज आप देखें तो अब प्रधानमंत्री से कितनी उम्मीदें हैं, हम खुद नहीं कुछ करना चाहते हैं, एक सरकार ऐसी आ जाए जो सब कुछ चेंज कर दे, खुद से बदलना नहीं। स्टूडेंट लाइफ में भी यही सोचते हैं, एक ऐसा टीचर आए या एक एक ऐसा बुक स्टोर मिल जाए, हाँ, या एक कहीं एक, एक, एक ऐसी जगह मिल जाए जो बिल्कुल हमें यू नो हम सक्सेस पा जाएं। ये कमी है हमें खुद को ना जानने की। कुछ लोग सर निर्णय नहीं ले पाते, कैसे मानते हैं, अगर निर्णय आपको लेना है किसी चीज पे, जैसे हर क्षण बाद आप 10th पास किए अच्छे नंबर से आए तो आपको निर्णय लेना है आप मैथ साइड जाएंगे, साइंस जाएंगे कि बायो में, कि आप कॉमर्स चूज करेंगे, आप इंटर। फिर एक कंडीशन, बच्चे को हमेशा ऐसा लगता है कि कभी अगर वो अनसक्सेस हुआ तो मैंने गलत निर्णय ले लिया, मुझे ये लाइन पकड़नी चाहिए थी। तो आपको कैसे लग, क्या पता चले कैसे वो आदमी सही निर्णय ले। और सर इस बारे में भी बताइए, कुछ लोग सोसाइटी की वजह से निर्णय ले ही नहीं पाते कि क्या कहेंगे समाज। देखिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल इसलिए बहुत अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 12वीं के एग्जाम हुए थे और मैं किसी कार्यक्रम के कारण से मुझे घर जाना पड़ा और बहुत सारे लोग आए मेरे पास, इतनी बड़ी संख्या में लोग डेली अपने गार्जियन जो है बच्चों को लेके पहुंच रहे थे। अब मुझे बड़ी विडम्बना लगती थी, मैं उनकी काउंसलिंग करता था, बच्चे का इंटरेस्ट पूछता था, उसका इंटरेस्ट कुछ और निकलता था,
और स्टूडेंट जो उसकी क्षमताएं थी अलग थी, इंटरेस्ट अलग चीज़ होती है, क्षमताएं अलग चीज़ होती है। आपका इंटरेस्ट मान लीजिए कुछ भी बनने का है, लेकिन आपकी क्षमताएं नहीं, तो शायद मुझे लगता है वो इंटरेस्ट आपका व्यर्थ निकल जाएगा, उसका कोई बहुत बेनिफिट नहीं। या तो क्षमताएं विकसित की जाए कि ये काम हो सकता है, तो आपको क्या होगा कि आपकी क्षमताएं। इसके बाद गार्जियन का इंटरेस्ट कुछ और है। गार्जियन ने चूंकि सोसाइटी को देखा है, उन्होंने देखा कि पड़ोसी का बच्चा इस चीज़ पे गया था, सफल नहीं हो पाया, उसका एग्जांपल दे करके हमेशा टॉर्चर होता है। और जब मैं काउंसलिंग करके उठा तो मुझे लगा कि इसको ये सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ में जाना चाहिए। तो तीन सेक्शन क्रिएट हो गए, एक बच्चे का इंटरेस्ट एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन जो काउंसलिंग कर रहा है उसका सेक्शन, और तीसरा सेक्शन गार्जियन का। अब बच्चा त्रिकोणीय श्रृंखला में फंस चुका है, अब उसे भ्रम है कि वो कौन सा करियर चुने। यदि वो अपना खुद का चुनता है तो घर वाले उस पर ब्लेम कर सकते हैं कल के दिन, यदि घर वालों का चुनता है तो अपने आप पे खुद ही ब्लेम होता रहेगा उसे, है ना। और यदि काउंसलर का चुनता है, एक दफे ये हो सकता है कि काउंसलर क्या करता है कि आपकी क्षमताओं को बताता है, समझाने का प्रयास करता है, वो तीनों, वो कभी एक तरफा नहीं सोचता। काउंसलर आपकी क्षमताओं को भी देखता है, आपके इंटरेस्ट को भी देखता है, आपके अभी तक के लाइफ को भी देखता है, और उस आधार पर डिसीजन लेने का प्रयास करता है। तो वो सारे विषय वस्तुओं को लेकर के मैंने इसको बड़े नज़दीकी से देखा है कि बच्चा को कन्फ्यूज किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका यदि मुझे लगता है किसी की होती है तो बच्चे की खुद से होती है। आप गाइडेंस ज़रूर लीजिए, लेकिन आपको मुझे मेरे बारे में जितना पता है वो आपको पता है क्या? नहीं बिल्कुल, है ना। मैं क्या चीज हूँ, मेरे पास कितना टाइम है, मेरा किस चीज पे मन लगता है, मैं किस चीज पे फोकस्ड हूँ, किस चीज पे काम करता हूँ, मेरे गार्जियन जान सकते हैं क्या? मेरे फादर नहीं पता, मेरे फादर को भी। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को अपनी पावर अपने पास रखनी चाहिए। मुद्दा दूसरा, एक तो बात ये हो गई, आप थोड़ा सा गाइड ले लीजिए, फादर से भी पूछ लीजिए, मदर से, उनसे गाइडेंस के रूप में जाइए मिलने। ये नहीं कि अथॉरिटी दे दीजिए कि आप ये करोगे आप ये नहीं करोगे, अथॉरिटी मत दीजिए, आप ही तय करिए, ये मत करिए। कोई काउंसलर मिलता है उससे भी गाइड लीजिए, आप गाइडेंस लेके अपना डिसीजन खुद लीजिए। डिसीजन अपने अपनी पावर अपने पास होनी अनिवार्य है, ताकि कल के दिन आप किसी को दोष नहीं दे पाएंगे। लाइफ आपकी है, देखो सबको चल जाना है। आज मैं आपके लाइफ के साथ बैठा हूँ, हो सकता हूँ कल ना रहा हूँ, परसों ना रहा हूँ, आज मेरे गार्जियन हैं, आज मेरे साथ हैं, नहीं रहे, तो ये लाइफ को अकेले आए थे, अकेले ही जीना है। और इसमें क्या कंस्ट्रक्टिव करना है, कौन कौन सा ईंट कहाँ पे लगाना है, ये मुझे तय करना है। मेरा घर है ये, है ना, ये मैं किराए के घर पे नहीं रह रहा, तो इसकी ईंट मैं डिजाइन करूंगा, मैं इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा, कहाँ पे मुझे ग्लास लगवाने हैं, कहाँ पे अलमारी, ये मैं, मेरा घर है, मैं बनाऊंगा कि मेरे गार्जियन बनवाएंगे। नहीं, गार्जियन का रोल मत रखिए, उनसे गाइड कीजिए। मैं पूछ सकता हूँ कि अच्छा यहाँ पे लगा रहा हूँ गलत तो नहीं है, ये हो सकता है एक दफे। दूसरी बात है कि उंगली की बात, हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को देखते हैं, गंदगी पड़ी है कहीं पे, सफाई नहीं हुई है, हमारी उंगली इधर है सामने की तरफ, है ना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सरकार ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रहा, मेरे गार्जियन मुझे पैसे नहीं दे रहे, मुझे ये, हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे हमारी उंगली दूसरे की तरफ रहती है। ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, है ना, ये मुझे खाने नहीं दे रहा, ये मुझे सोने नहीं दे रहा, अरे भाई साहब कोई कुछ नहीं कर रहा आपके साथ, ये सारा खेल आपका है, आप यदि उंगली को उल्टा कर लें। इस वाले मुद्दे पे मुझे याद आई एक हम लोग की 10th में एक कविता थी कि नदी का रास्ता किसने बनाया। तो कवि ने एक्चुअली जो है ना दो चीजें, दो परिस्थितियां दी थी। पहला कह रहा था कि नदी का रास्ता खुद नदी ने बनाया, पहाड़ आया तो उसको चीर दिया उसने, फिर वो बही आगे रेगिस्तान आया तो उसने खुद ही अपने रास्ते मोड़े, और फिर समतल आ गया तो उसने स्ट्रेट बहना शुरू किया, और फाइनली वो जाके सागर में मिल गई। फिर दूसरे कवि कहते हैं नहीं नहीं नदी का रास्ता नदी नहीं बनाया, नदी तो ऊपर झरने से आई, वो तो आराम से सीधे आना चाहती थी, बीच में पहाड़ खड़ा हो गया, कहा नहीं जाने दूंगा, पहले तुम झरना बनो। तो फिर उसने पहले उनको झरना बनाया, फिर बीच में थोड़ा सा रास्ता दिया कि इस साइड से निकल जाओ, फिर मैदानों ने कहा कि भाई मैं तो चौड़ा हूँ पूरी फैलो, फिर तब तक रेगिस्तान आ गया, कहें नहीं नहीं मैं ऐसे आसानी से नहीं जाने दूंगा, मैं तुमको घुमाऊंगा। तो मुझे हमेशा वो कविता हमेशा मेमोराइज रहती है कि नदी का रास्ता किसने बनाया, ये जीवन में बहुत सीखने की चीज़ है। ये आप तय करिए कि कौन जो है आपकी जिंदगी तय कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। परिस्थितियां तय कर रही है या आप खुद कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ समझिए, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि परिस्थितियों को इग्नोर कर दें, वो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं, और आपको अपनी लाइफ में ब्रेकर लगाने पड़ेंगे। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, कभी हमारी गाड़ी पहले ब्रेकर पहले गियर से चल रही है, दूसरे में पहुंचे, तीसरे में पहुंचे, चौथे में पहुंचे, हम टॉप गियर में भी चलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारी गाड़ी सिर्फ टॉप गियर में ही चलेगी, ऐसी कंडीशनिंग भी आ जाएगी कि आपको गाड़ी पे ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक लेकर खड़ी करना पड़ेगा। हो सकता है कोई भी आकस्मिक घटना अपने घर पे हो सकती है, किसी भी चीज़ पे हो सकती है, तो आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं करोगे, सिचुएशंस डिसाइड करेंगी कि आपको कब किस स्पीड में चलना है।
यदि आपने स्पीड नहीं कम की तो भी आप बर्बाद, तो भी आप बर्बाद, आप एक्सीडेंट कर बैठोगे अपनी लाइफ का। तो ये एक लाइफ मैनेजमेंट में होती हैं सारी चीज़ें कि आपको कब चीज़ों को कैसे तय करना है। आप परिस्थितियों को भी इग्नोर मत कीजिए, परिस्थितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। और अपने आप पे भी इतना भरोसा कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। मुझे हमेशा एक एग्जांपल याद आता है नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला वो पर्सन था जितने पूरी जवानी अपनी खपा दी कहाँ पे, जेल के अंदर। मुद्दा एक ही था, राष्ट्र से रंग भेद की नीति की समाप्ति करनी। एक मुद्दे के ऊपर पर्सन ने पूरी जिंदगी जेल के अंदर बिताई। कितने बड़े कितने केबिन में, हाइट में देखें 6.5 फुट से ऊंचे हैं वो, है ना। उनको 3 फुट के कमरे पे घुमा के रहते थे बेचारे। 28 साल तक कोई व्यक्ति ऐसे कैसे रह सकता है? हम 2-3 साल में बोर हो जाते हैं, जबकि इतनी स्वच्छंद लाइफ हमें मिली होती है। हाँ, यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ की लाइफ है ना। लेकिन मैं कहने का मुद्दा ये है कि इतनी सारी चीज़ें, अब उनको, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा जब वो निकल के आए, फिर से आकर के आंदोलन में लग गए, देश को आज़ाद किया, पहले राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने एक बात कही। उनसे जब पूछा गया कि भाई आप इतना मोटिवेट कैसे रहे 28 साल तक, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मुझे मेरे लक्ष्य में कभी संदेह नहीं हुआ। मुद्दा क्या होता है कि जो टारगेट उन्होंने चुना, उनको कभी लक्ष्य में संदेह ही नहीं था। उन्हें लगा कि ये सबसे बेस्ट टारगेट है मेरा, और हमेशा बस कह रहे थे मैं उसी टारगेट का मनन चिंतन करता रहा, और जैसे निकला फिर से एनर्जेटिक तरीके पी लग गया। हमारे साथ दिक्कत है कि हमारे टारगेट चेंज होते रहते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, टारगेट चेंज नहीं होते तो समय समय पर अपने टारगेट को लेकर ही कि मैंने गलत चुन लिया कि सही चुन लिया, इन मुद्दों का भी प्रभाव। तो ये मैं एक्चुअली स्टूडेंटों का इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही होती है। मुझे लगता है कि मैं पता नहीं उन सबको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे वो ये है कि आत्मविश्वास कैसे लाया जाए, हम अपने आप से कैसे जुड़ें। पहले हम समाज से कट के, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अंतर्मुखी काफ़ी हूँ, और तो एक स्टूडेंट या एक आम नागरिक कोई भी हो, इंसान, एक इंसान सबसे पहले अपने आप से कैसे जुड़े, ताकि वो समाज के हर परिस्थिति में चेंज ना हो सके, है ना। रामचंद्र जी हमारे लिए बहुत बड़े एग्जांपल हैं कि इतनी बृहद परिस्थितियाँ आई, हर बार चेंज आए, पर वो व्यक्ति चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ। भगवान के रूप में भले कुछ लोग उनको ना माने, ना एक्सेप्ट करें, लेकिन एक विशेष व्यक्ति के रूप में कोई ऐसा नहीं कह सकता जो मना कर सकता कि राम राज्य ना आए। वो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने आप से अपने आप को जोड़ा। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा ना, स्टूडेंट कैसे जोड़े, जीवन एक इंसान कैसे अपने आप को पहले जोड़े, ताकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कभी कमी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जीवन एक अनुभव का नाम है। आप जीवन में कोई भी चीज़ ये नहीं कह सकते ना, मैं अब ये हो सकता है कि दूसरे के अनुभव से हम जरूर सीखते हैं, इसलिए बायोग्राफी पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन कहने के तात्पर्य मेरा ये है कि जब भी आपके लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो आपको रोकने का प्रयास करती है, उस मोमेंट में आपको क्या रिएक्ट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि यदि वहाँ पर रिएक्शन आपका गलत हो गया, तो हो सकता है वहीं से आप क्विट कर जाएं, है ना, या फिर वो आपको इतना तोड़ के रख दे कि आगे खड़े होने की परिस्थिति भी ना रहे। तो मुद्दा ये है कि जब कभी ऐसी सिचुएशंस आए आपके लाइफ में, आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। काम कैसे करना चाहिए, उस परिस्थितियों में आपका ब्रेन चल कैसे रहा है, थोड़ा सा रुक के देखना चाहिए। मेरे हिसाब से जब भी कभी आपके पास गलत परिस्थिति आ जाए, मैं आमतौर पे यही करता हूँ कि जब कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गई, कभी कभी लगता है कि यार ठीक अपने अनुसार नहीं चल रही चीज़ें, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ ना पांचवें गियर पे ही गाड़ी चले, लेकिन जब मुझे ब्रेक लेना पड़ता है तो मैं फिर ब्रेक ही लेता हूँ उस पर प्रॉपर। और ब्रेक लेकर के आप जाइए, 1-2 दिन का टाइम लीजिए, और उनको सोचिए कि आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, क्योंकि इसका सोल्यूशन आप ही दे पाओगे। आपसे जुड़ी समस्या है ना वो, मैं नहीं सोल्यूशन दे पाऊंगा, मैं तो आपको सांत्वना दूंगा, है ना। जब मेरे पास परिस्थिति, मैं बहुतों को मोटिवेट करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं जब डिमोटिवेट होता हूँ तो मुझे भी लगता है, तो उस परिस्थिति में एक ही काम हो सकता है, आप अपने ऊपर काम कीजिए। मैं मुखर्जी नगर का बताता हूँ, कभी कभी मैं इतना परेशान हो जाता था, कभी कभी लगता था गलत जगह पे आ गए क्या, गलत टारगेट चुन लिया क्या, सबको लगता है। हाँ, बिल्कुल। गीता में एक बात लिखी हुई है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। कभी कभी ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आया, और मैं इस पर बहुत काम, बहुत सोचता हूँ। बहुत लोग मिलते हैं मुझे, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि यदि मैं IAS बनने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं डेली पढ़ता हूँ कुछ किताबों को और कुछ सेलेक्टिव किताबों के बारे को पढ़ता हूँ, तो मैं क्यों पढ़ता हूँ, ये तो पूछूंगा ना अपने आप से, तो फल तो आएगा ही मेरे दिमाग में। तो मुझे अभी तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया गीता का, कि मैं कैसे नहीं अपने फल के बारे में सोचूंगा। ये हो सकता है कि योगी रोगी ना सोच पाते हो, मैं काम करूंगा तो मैं सोचूंगा भाई मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ इस तरीके से, तो इस पे भी मेरा कुछ उद्देश्य है, है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ उद्देश्य, मैं फल नहीं सोचे होता तो मैं आपसे बात क्यों करता। हर चीज़ पे फल है। मैं सुबह जल्दी जगता हूँ तो मुझे पता है कि मैं जल्दी क्यों जग रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों करता वो काम। तो काम के पीछे फल जरूर होता है। हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट जो है गलत परिस्थितियों में रिएक्ट कैसे करे, तो आपको थोड़ा सा अपने लाइफ में ब्रेक लीजिए, रुकिए,
स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अब ब्रेक लग चुका है, और ब्रेक लेने के बाद आत्म अवलोकन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, सोचिए अपने आप के बारे में कि आप ब्रेन रिएक्ट कैसे कर रहा है, क्या रिएक्शन आ रहा है इस ब्रेन का, क्या दिमाग में चल रहा है, और इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। क्या अभी तक कोई अनुभव रहा है या अभी कोई नया चीज़ आया, हो सकता है कोई, देखिए क्या होता है ना, आज मेरे साथ कोई परेशानी है, मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद आप इसको बहुत जल्दी अपने लाइफ में जोड़ सकें। स्टूडेंट के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं सबसे ज़्यादा, महीने का 15-20 दिन अच्छा चलता है, 10 दिन जो है उसका हमेशा रहता है उस कंडीशन में, दिन इसी चीज़ में सोचा जाता है सर कि लेकिन पैसा आएगा किस तरह से मैनेज किया। हाँ, अब इसी मुद्दे को ही मैं चर्चा करना चाहूँगा, जब पहली बार पैसा नहीं था, पहली बार एक क्राइसिस आई थी, घर वालों ने भेजा था, पैसा नहीं रहा, पैसा नहीं रहने के बाद, लेकिन धीरे धीरे हम हैबिचुअल हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि अनुभव दोहराया जा रहा है बार बार, लेकिन जब फर्स्ट टाइम वही आया तो डिस्टर्ब हो गया। एग्जाम आप पहला अटेम्प्ट देंगे आपको अजीब सा लगेगा, दूसरे तीसरे चौथे में फिर हैबिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि वो परिस्थिति आप झेल रहे हैं। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है कि आप एग्जाम देने की हैबिट डालें, ताकि हैबिट पड़ जाए, ताकि वो आपको परिस्थितियां आएंगी जरूर, लेकिन टैकल कर पाएंगे आप उन्हें। लोग तो हर एग्जाम देते हैं ताकि जा करके उसके चैलेंजेस को समझ सके। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई परिस्थिति आए, पहले उससे पूछिए कि ये क्या पुरानी परिस्थिति है जो मेरे साथ रिपीट हो रही है, या फिर कोई नई परिस्थिति आई हुई है। यदि नई आई है तो रुकिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, दिमाग को समझने का प्रयास कीजिए कि दिमाग का रिएक्शन ब्रेन में क्या चल रहा है। कभी ऐसे कदम मत उठा दीजिए कि उन पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज के टाइम पे, तो जो जैसे हम उम्र सेम उम्र के हम बैठे हुए हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत है अट्रैक्शन, है ना, बहुत सारी चीज़ों की तरफ डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें और अट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल एक बहुत बड़ी समस्या बन गया आज के टाइम में हमारी लाइफ में, बन गया कि नहीं बन गया, लोग जो है इससे परेशान है, अभी इस बीमारी से दूर जाने का प्रयास करना चाहते हैं लेकिन दूर कर नहीं सकते, क्योंकि एक अहम हिस्सा बन चुका है मोबाइल से हम परेशान हैं। हम हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है अफेयर्स हैं उनको लेकर के परेशान है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे समाज में बात भी नहीं की जाती और हमारा समाज इसको गलत ढंग से देखता है, जबकि कोई बहुत बड़ी बात चीज़ है नहीं। तो कहने का मुद्दा ये है कि समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको डेली मिलेंगी। मैं एक बहुत बड़ी समस्या आपको बताता हूँ, शायद इस सोसाइटी के बारे में कभी हमारी सोसाइटी बात करने को भी तैयार नहीं है, एक समस्या इस मोबाइल ने दी है, इसमें इंटरनेट सर्विस ने दी है, वो है पोर्नोग्राफी, बन चुकी एक प्रॉब्लम। बच्चा, मुझे लगता है कि ड्रग्स का एडिक्शन, अफीम का, हेरोइन का, कोकीन का एडिक्शन कम है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं। आज वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च मार जाती है, और अगर आप जो है ग्रेजुएशन जो बच्चे कर रहे हैं आप वहाँ पे जाएंगे, खासकर बीटेक वाले में, मैं अपना अनुभव बता दूं तो मैं एक बार गया था, वो प्राउड फील करते थे उनके पास 50 GB है, 150 GB है और कुछ नहीं, क्योंकि वो उनको यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं, यूज़ क्या हो रहा है, कोई अपनी इनर एनर्जी को आप वेस्टेज जा कर रहे हैं। और देखिए ये ज़रूरी है, क्योंकि नेचर क्या है, फोर्स करेगा, प्राकृतिक चीज़ें हैं, फोर्स करेंगी, अब उसको टैकल करना नहीं सिखाएगा उस सिचुएशन को, ना भी कभी मेरे गार्जियन ने बात की, ना कभी मेरे शिक्षक ने बात की, ना कभी मेरे सोसाइटी के किसी पर्सन ने बात की। तो जब ये प्रॉब्लम फेस करता है स्टूडेंट, तब भी बहक जाता है, परेशान होता है आंतरिक तौर पे, मेंटली डिस्टर्ब जरूर होता है। तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं सिर्फ एक ही मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आती है, अपने साथ बैठिए, उसका सोल्यूशन आप ही निकालोगे। सामने वाला सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है, सांत्वना देना, सांत्वने से उसका रिजल्टेंट नहीं निकलता। मेरी लाइफ का एक छोटा सा जो अनुभव है ये, कि जब मैं बहुत परेशान हो गया था, जब हम तैयारी कर रहे थे और हमें लगा कि नहीं अब सब लोग अलग अलग चले जाएं, तो सबसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आया मेरे अंदर कि सच में मैं वो कर रहा हूँ कि जो मैं करने आया था या नहीं कर रहा, तो बिल्कुल परेशान था मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने एक दिन शांत बिल्कुल बाहर छत पर मैं बैठा, मैं सोचा कि कुछ तो वैल्यू है मेरी, मैंने आंखें बंद की सोचना शुरू किया कि बचपन से आज तक मैंने किया क्या है, कुछ अचीव किया है या नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मुझे लगा कि नहीं, सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यह है कि मैंने ह्यूमन बींग का एक शरीर पा लिया और मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, ये काबिलियत है मेरे अंदर, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ, जो भी अचीवमेंट हुए हैं वो किसी न किसी इंसान ने पाए हैं। और तो मैंने पहले आप क्या किया, कोई भी निर्णय लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को खुश किया, और खुश करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने अचीवमेंट्स गिनाए, कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी मैं एक इंसान हूँ, इंसान हूँ, और प्रकृति ने मुझे सब कुछ दिया है, दिमाग दिया है, आंखें मेरी सब कुछ है, हाथ चल रहे हैं, दिमाग परफेक्ट है, कोई उसमें फिजिकल मैं हार्डवेयर पूरा सही है, दिक्कत सॉफ्टवेयर में है, लेकिन मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं प्रकृति की सबसे खूबसूरत चीज हूँ भाई, मैं क्यों यहाँ पे मोरली अपने आप को डाउन कर रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को बहुत खुश किया उस माहौल में कि नहीं मैं बिल्कुल ओके हूँ। अब मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो करना है या नहीं,
तो करना है तो मैं करूंगा उसको और लेके जाऊंगा लास्ट टाइम पे। तो मैंने जब भी अपने निर्णय लेने लिए उससे आधे घंटे पहले मैंने अपनों को खुश किया, किसी भी तरीके से खुश किया, खूब खुश कर लिया और फिर मैंने अपना निर्णय लिया अब हाँ मुझे ये करना है कि नहीं करना है। तो बस, क्या बस, ये बस। ये एक बेटर वे है। देखिए क्या है ना, आप दूसरों को खुश करने जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, बात समझिए, और उससे आप अपने आप को दुखी और कर बैठेंगे। सामने वाला तो खुश हुआ ही नहीं, आपने दूसरे को और दुखी कर डाला। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी चीज है कि आप एक बार अपने महत्व को समझिए कि हु आर यू। यदि एक बार ये समझ में आ गया ना कि मैं ये हूँ, तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बहुत बेटर हूँ। उस समय तो मैं मतलब बिल्कुल बड़े ऊंचाई पे रहता हूँ, भले कहीं नहीं हूँ, प्रधानमंत्री से भी ऊपर हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। सर अब मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो सही है या नहीं मुझे विचार करना, अब मेरी क्षमता मुझे बता देगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक इंसान के रूप में मैं क्या हूँ ताकि मैं अपने फेलियर भूल जाऊँ। बिल्कुल सर, इंसान निर्णय लेने जाता है फेलियर है, ये नहीं कर पाया, ऐसे नहीं कर पाया। जीवन का एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि ये सारे स्टूडेंट लोग जितने भी होते हैं उन सभी स्टूडेंट के अनुभव में, शायद उनके जिंदगी में ये पहलू आता है। जैसे हम चर्चा करते हैं कि जब हम हमारी उम्र 21 साल थी, मैं समझता हूँ कि 21 साल से लेकर 25 साल की उम्र का जो हमारा जो उम्र होती है ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण उम्र होती है। मतलब जिसमें हम जिस भी चीज़ में चाहे, वो कहते हैं ना कि जब लात मारो वहाँ से पानी निकल जाता है, ठीक है, उस टाइप का हमारा ये होता है कि जहाँ पे आप कहते हैं ना कि जहाँ पे आप कुछ करना चाहो आप सक्सेसफुल बन जाते हैं, कंटिन्यूस स्ट्रगल करते हैं। तो 21 से 25 साल की उम्र जो होती है, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, आप अच्छे पढ़ाई पढ़ लिख कर आप जो है कंटिन्यूस वे में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ आपके पास लाइफ में दो वे रहते हैं, एक वे होता है आप पढ़ाई पढ़ लिख कर कुछ अच्छा व्यक्ति बन जाए, ठीक है, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में जो अच्छा क्षेत्र हो उसमें आप टाइम व्यतीत करें जिसमें आप सक्सेसफुल बन जाए। एक वे होता है कि आपको ग्रेजुएशन के समय जो आदतें लग जाती हैं, ठीक है, उस आदतों से आप निजात नहीं पाते हैं 21 से 25 साल की उम्र तक। जिस आदतों में होती है सबसे पहली होती है, जैसे मैं बात करूँगा कि शराब पीना, उसमें ही जैसे कि एक नदी होती है, ठीक है, एक नदी है ये, उस नदी में जैसे कि उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है, अब जैसे उसमें आता है आप नशे की लत में हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, आप जैसे कि आपका रिलेशनशिप है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो ये एक रास्ता होता है जिसमें कि आपको आप उसमें कंटिन्यू बहते जाते हैं, ठीक है, आप उसमें जो है आपको वो अनसक्सेसफुल वे की तरफ ले जाता है। एक होता है कि आप निरंतर पढ़ाई करते रहे, जिस समय आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की 21 साल तक, आप कंटिन्यू उस वे को 25 साल तक कंटिन्यू रखें, 25 साल की उम्र में या 25 साल के पहले आपको एक सक्सेस मिलेगा उस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि आप कंटिन्यू है निरंतर उस वे में है। लेकिन जो कह रहा है दूसरा रास्ता जो है वो एक गलत रास्ता है जो कि आपको निरंतर असफलता की ओर ले जाता है। एक समय आता है कि नहीं हम अब बहुत दूर आ चुके हैं और तब वहां से लौट कर रिकवर कर पाना। मैं इस पे थोड़ा सा आपको इस बात पे लिए मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस चीज को लेके। मैं पहले चाहूंगा कि सबसे खूबसूरत चीज ये मिस कर रहे हैं, चाय अपनी छोड़ रहे हैं। सर चाय चाय का पैक मात्र है सुबह सुबह यहाँ पे बैठ के चाय पीने का। मुझे लगता है कि कोई चीज अच्छी या खराब नहीं होती है, हमारा उसका मानसिक लेवल तय करता है कि कोई चीज़ अच्छी है या ख़राब है। हम बचपन में जिस परिस्थिति में रहते हैं हमारे दिमाग में एक कैलकुलेशन बन जाता है हर चीज़ को लेके। आप दो घंटे पढ़ रहे हैं तो आप ख़राब, आप चार घंटे पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, है ना। हम उससे कंपेयर करते हैं। अगर आप शराब की बात कर लें, किसी शराब की या किसी भी लत की जो आज समाज में है, या बुराई की भी, चाहे आपने पॉर्नोग्राफी की ही बात करें, उसमें जैसे एक पॉर्नोग्राफी की बात, एक मिनट बात, जैसे कि हमें कोई एक बुरी आदत लग जाती है ना तो वो कड़ी चैन बन जाती है, लेकिन पढ़ाई जो आदत लगती है ना उसमें हम निरंतर पढ़ाई ही करते हैं, उसमें हमको दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि वो एक, लेकिन ये है ना कि हम अपने आप को ना, हमारा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया कि वो चीज़ हमारे ऊपर हावी हो, उससे आप बच नहीं सकते। आज के टाइम पे आपको भी पता है कि मोबाइल आपको बहुत टाइम वेस्ट करता है, लेकिन आप बच पाएंगे मोबाइल से? नहीं बच पाएंगे आप मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। आप उससे कितनों फाइट कर लो, या तो आप हिमालय की गोद में चले जाओ अंदर जहाँ पे कोई नेटवर्क ना आए, सब चीज से दुनिया से कट जाओ, आप दुनिया से भाग के भी जो जी नहीं सकते हैं, नहीं भाग जी सकते वहाँ भी। तो आप इसी कंडीशन में मुझे लगता है कि आपको अपने आप को मजबूत करना चाहिए। देखिए बैलेंसिंग लाइफ होनी चाहिए। हाँ बैलेंसिंग, वही मैं कह रहा था। आप जो है अगर वेस्टर्न कंट्री में जाए वहाँ शराब पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अचीवमेंट बहुत बड़े बड़े उनके उनके अचीवमेंट बड़े बड़े हैं। आप देखिए कौन लत, हम अपने आप को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे लत किसने, आप दिन रात चावल खाइए, चावल अच्छी चीज है, आप चावल दिन रात खाइए, आप मोटे हो जाएंगे, आपके अंदर फैट आ जाएगा, खराब हो जाएगा। शहद अच्छी चीज है, आप दिन रात पीजिए, बहुत बेकार। बिल्कुल, नींबू इतनी चीज है आपको फिट रखेगी, पर आप सुबह चार नींबू के साथ गर्म पानी पीजिए तो आपको जो है पूरी बॉडी को खराब कर गला देगा। तो ये आप तय करिए कि कहाँ तक उस चीज कर ले। शराब वही काम कर रही है जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो आपको नशे की उसकी प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी से बिल्कुल नहीं भटक रही है।
वो अपनी प्रॉपर्टी पे स्टेबल है, आप उसकी प्रॉपर्टी को उसके जैसा यूज नहीं कर पा रहे, ये आपको तय करना है ना कि मुझे आज शाम को इतना लेना है या इतना लेना है या पी के नाले में गिरना है, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप दुनिया को बचा नहीं पाएंगे। एक स्टूडेंट आ रहा है इसी जिंदगी में, वो कैसे बचाएगा इतनी सब चीजों को, उसको अपना कंट्रोल रखना है और जिंदगी रेगुलेट करिए। बिल्कुल, आपको अपने जीवन का महत्व पता है, शराब नहीं तय करेगा कि आपको कहाँ जाना है, ये आपको तय करना है कि आपको कहाँ जाना है, वो चीजें वैसे ही बनी रहेगी। आप जाइए उस जीवन को जीतिए, आप गोवा जा रहे हैं तो ठीक है, आप उस जीवन को थोड़ा सा आनंद। लेकिन ये चीज कम लोग समझ पाते सर, बाकी लोग जो आप कह रहे हैं, जैसे जो समझदार लोग होते हैं, कुछ लोगों को तो ये चीज लत मतलब डुबा देती है सर, खत्म कर देती है जीवन, खत्म कर देती है अपना। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जीवन में जो करते हैं। और सर मैं, आपने पहले ही कह चुके हैं कि सफलता ही तय करती है सोसाइटी में आपका स्टेटस। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आपका स्ट्रगलिंग लाइफ भी सोसाइटी में आपको जो है एक थोड़ा सा आपको होप देता है। कहीं कहीं ऐसी सोसाइटी होती है जो आपको मोटिवेट करती है। ठीक है, आप कर रहे हैं, आप कीजिए उस काम को, निरंतर कीजिए। आपको परेशानी होती है लाइफ में तो सोसाइटी आपको कॉर्पोरेट करती है, लेकिन कहीं कहीं पे आप जो ट्रेंड बन चुका है उस ट्रेंड में देखा जा रहा है कि नहीं, आपको जो है डीमोटिवेट कर रहे हैं ये लोग, मतलब निरंतर जो है आपको मतलब साथ नहीं दे रहे, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोसाइटी जो है अब कर रही है काम, फैमिली को तोड़ने का काम कर रही है। अब जैसे हम देखिए सर, हमें एक बात पता होनी चाहिए, अब दिल्ली में बैठकर सोसाइटी में है कौन, सोसाइटी में हम लोग सर, जैसे हम बैठे हैं अब दिल्ली में, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अलग से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एक बात। उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हमारे घर वाले हो रहे हैं, जो हमारे नेबर्स है जो घर के बगल में रहते हैं, वो लोग उनको हमसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि नहीं आपका बच्चा तो वहाँ है, क्या कर रहा है इतने दिनों से। मतलब ये चीज़ें सर होती है, जितना हम सोचते हैं ना कि हम जो इतना फेस कर रहे हैं, ये परिवार भी उतना ही फेस। यहाँ पे ट्रस्ट काम करता है, घर वालों के लिए अपने बच्चे पे ट्रस्ट है, है ना। तो ये लोग पड़ोसी बच्चे से ज्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि घर वाले के पड़ोसी देशों में भी यही हाल है सर। पड़ोसी मेरे साथ कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया, मेरे घर वालों ने कहा, उनको पता था कि ये बच्चा जो है हमारा, ये समझता है चीजों को। जब घर वाले ये जानते हैं अपने बच्चे को, तो उसकी बातों को समझते हैं, उन्हें पता है कि व्यर्थ यूज नहीं करेगा, व्यर्थ पैसे खर्च नहीं करेगा। मैं तो ऐसी कंडीशन में रहा हूं कि दोस्त जोड़ी कपड़ों में भी मैंने दो दो साल देखा है सामने आपको नजदीक से उस चीज को। एक पैंट रहा करता था, एक पैंट रहा करता था जिसमें जो है इंक गिर चुकी थी और काफी वो बढ़ता जा रहा था, मतलब ऐसा। एक बार तो उसमें एक पैंट था जिसमें दो पैंट थे, दो शर्ट थे, दो साल तक, और एक पैंट में लगातार इंक गिरती, अब वो पेन लेता था इंक गिरती थी तो बढ़ता जा रहा था उसका एरिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, आपको भी पता है कि कल के दिन ये सबको कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ये सब बहुत छोटी, बस बात है कि हम उनको बड़ा बना के समझते हैं, बहुत प्रमोट करके चीजों को लेके चलते हैं। लाइफ में अभाव से बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती, अभाव वो काफी कुछ सिखाते हैं। उससे जो आपको मोटिवेशन, आपको जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, अभाव ही आपको डेवलप करा पाएंगे। बस आप उस कंडीशन में ना अपने आप को नीचे ना ले जाए, बस आप अपने आप को तय रखें, ये माने कि हमारा एक वजूद है, हमारा एक अस्तित्व है, हम आज जो यहाँ है वो अच्छी चीज है, वो हमको उससे ऊपर ले जाएंगे, उससे बेहतर ले जाएगा। कम से कम पता तो चला कि इस जीवन में कैसे हैं, आज हमारे पास एक अनुभव है। बिल्कुल, अगर हम शुरू से एक अच्छे बड़े वैल्यू रखते हैं, हम यहाँ आते हैं तो हमें क्या लगता है, हम आगे बढ़ सकते हैं, चला के थोड़ा डांस करके फिर चले जाते हैं। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आपकी जिंदगी में एक रेंज होना चाहिए। रेंज कैसा, मैं गांव से निकला, गांव से निकल के यदि मुझे मौका मिला कि मैं यूएसए तक जा रहा हूँ, जैसे कि मैं प्रधानमंत्री की बात करूँ अभी जो हमारे हैं, एक पर्सन जो बहुत बेसिक लाइफ जिया, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, अपनी फैमिली को चलाने के लिए स्ट्रगल किया, अपने भाइयों के साथ स्ट्रगल किया, अपनी फैमिली को उन्होंने काफ़ी, है ना। तो उनका रेंज देखिए, एक चाय बेचने वाले पर्सन से एक छोटा बच्चा जो चाय भी बेचता था, स्कूल भी जाता था, उससे लेकर एक प्रधानमंत्री तक पहुंचने का रेंज, परास बड़ा रेंज, कितना बड़ा रेंज है। और एक व्यक्ति है, अब जैसे कि कोई भी हो, मान लो मैं शासकों में लेता हूं कि भाई अशोका का बच्चा पैदा होता है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो है बिंदुसार, वो शासक बन रहा है, तो कौन सा बड़ा रेंज है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पास रेंज था, उसने एक बड़ा रेंज क्रिएट किया, लेकिन बिंदुसार का क्या रेंज था, हिस्ट्री भी वही क्रिएट करता है नीचे से नीचे। तो आपकी जिंदगी में परास यदि, ये अभाव ही आपको देंगे। यदि मुझे ऐसा सब मिला होता तो मुझे नहीं लगता कि वो चीजें काग जा करके मैं बहुत कुछ कर पाता। तो लाइफ में भी देखिए, अकबर नहीं निकाला गया बचपन से, इसको उसका भी रेंज बड़ा था, उस बच्चे का, कि उसने एम्पावर उसको जरूर मिला वो, लेकिन उसने उसको बड़ा बनाया। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत अमीर घर के लोग हैं या जिनके पास सुविधाएं हैं, वो रेंज नहीं क्रिएट कर सकते, वो भी रेंज क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका रेंज क्रिएट करने का दायरा थोड़ा सा सीमित इसलिए हो सकता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं उनसे काफ़ी कटे होते हैं,
क्योंकि उनको चीज़ें सिखाई भी नहीं जाती, और सिखाई भी क्यों जाएंगी। फीलिंग और इमोशंस हमारे पास तब आते हैं जब हम उन चीज़ों से गुजर चुके होते हैं। गरीबी मुझे तभी पता चलेगी जब मैंने गरीबी का एहसास किया, भूखमरी मुझे पता चलेगी तब, जब मैं 4 दिन भूखा पड़ा रहा हूँ, तब वैल्यू पता चलती है। आप थोड़ा सा मुद्दे को राजनीतिक ले आए, मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल आपका यह जानना चाहूँगा कि डेवलपमेंट दिन रात बातें हो रही हैं जी जी, सरकार से लेकर हर एक चीज में मीडिया में डेवलपमेंट विकास, आपके अनुसार क्या है डेवलपमेंट? मुझे लगता है कि विकास कहीं ना कहीं पे ना, मुझे कभी कभी इतना जब सोचिए इस बात को लेकर के कि विकास होना चाहिए, नो डाउट विकास नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आज के इस आधुनिक युग में हम डेवलपमेंट ना करें। डेवलपमेंट का मतलब है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरफ से वृद्धि होनी चाहिए, उसकी गुणात्मकता इतनी होनी चाहिए कि वो सतत चले। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज हम प्रकृति की गोद में हिमालय में बैठे हुए हैं, यहाँ चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है कि आसपास कहीं एसी नहीं दिख रहे हैं, पंखे लगे हुए हैं, है ना, प्रकृति की हवा को खींचकर आप तक पहुँचा रहे हैं। शहरों में देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जिसके कारण से लोग जो है डेवलपमेंट के नाम पे पंखों की जगह एसी ने ले लिया, एयर कंडीशनर ने, कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हम आपको कूल कर देंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, अंदर के कमरे को कूल करने के चक्कर में आप बाहर कितनी गर्मी फेंक रहे हैं, क्या ये डेवलपमेंट है? नहीं, इसको आप डेवलपमेंट की परिभाषा में रखेंगे? आप कहीं ना कहीं पे इस बात को हमें बैठ के सोचना पड़ेगा कि जो आप विकास कर रहे हो, आज दिल्ली जैसे शहर को देखिए, बस आए पड़े हैं, मेट्रो बन रही है, ये बन रही है, वो बन रही है, हम सिस्मिक जोन पे आते हैं, दिल्ली एक सिस्मिक जोन वाली जगह है, आबादी बढ़ती जा रही है, लोग अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, दिल्ली दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग स्टेशन से उतरते हैं, बढ़ते जा रहे हैं रोजगार को लेके, हर चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे उपलब्ध हैं चीज़ें। लेकिन समझिए कभी छोटी सी भी घटना कोई घटती है किसी भी मुद्दे पर, तो आप क्या पाओगे, कैसे क्या चीज़ें वहाँ पे उसको हैंडल कैसे कर पाओगे, ये विकास है? जो आप पूरा मिट्टी का और ये कंकड़ पत्थर का जंगल क्रिएट करते जा रहे हो, इसको विकास की परिभाषा समझे तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि विकास है। आपको तय करना पड़ेगा कि ये विकास ऐसा चले कि आगे आने वाली पीढ़ी भी जिंदा रह सके, ऐसा न रहे कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाए पूरी तरीके से, ये विकास होना चाहिए। अब इसको बैठ करके सबको सोचना है, ये गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, गवर्नमेंट तो मजबूरियों में आती है। अब जैसे कि मैं गाँव की बात, आज गाँव को खत्म किया जा रहा है, आपको पता है गाँव समाप्त हो रहे हैं, गाँव का जो एक खुशहाल जीवन होता था, अब जैसे विकास के नाम पे गांव में टीबी पहुंच गया, टीबी अच्छी चीज है, टीबी के कारण से हम देर दूरदर्शन है, बाहर की दिल्ली की बातें घर पे पहुंच रहे हैं, लेकिन एक चीज आप नहीं देख पा रहे हैं, टीबी के कारण से गांव का आदमी सेपरेट लाइफ जीना शुरू कर चुका है। जो एक समय होता था कि हम सामुदायिक समस्याओं को समझते थे, गांव में एक चौपाल बैठती थी, लोग बैठते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते थे, अब वहां पे व्यक्तिगत जीवन आ गया, व्यक्तिगत जीवन एक काम देता है, ईर्ष्या देता है, सामुदायिक जीवन ईर्ष्या को खत्म करता है, द्वेष को खत्म करता है। तो अब लोग जब इंडिविजुअल रह रहे हैं, उनके अंदर क्या आ रहा है, जब आप अकेला पर अकेले रहने लग जाएंगे ना, आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं अपने जीवन अकेले जी सकता हूँ, ये भावना जिस दिन से आएगी, आप उसी समय से अपने ब्रेन के जो बहुत सारी चीज़ें हैं, दूषित मानसिकता है, ऐसे हार्मोन जो आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, ईर्ष्या द्वेष, ये सब हार्मोन्स ही हैं, समय समय पर आपके ब्रेन पे आते रहते हैं, ये निकलने चालू हो जाएंगे। जब मुझे पता है कि मैं बिना आशुतोष जी के ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि मुझे डिपेंडेंसी रहेगी आपके अंदर। तो आत्मनिर्भरता का अभाव ये विकास है, ये दिया टीबी ने हमें, ये वरदान है उसका, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं बहुत चीजों को सोच, एजुकेशन के साथ डेवलपमेंट हो तो बेटर है, आप एजुकेट कीजिए पहले। अब मुझे इतना बुरा लगता है, एक बार हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लैपटॉप बांटे, लेकिन लैपटॉप चलाने वालों को एजुकेट नहीं किया कि जो हथियार आपको दिया जा रहा है इसका प्रयोग कैसे करना है। बंदूक किसी को भी पकड़ा दोगे वो कैसे भी चलाएगा, किसी पर भी चलाएगा, किसी पे भी निशाना मार सकता है, कभी निशाना चूक भी सकता है। तो आपको बड़े ट्रेंड पर्सन को बंदूक पकड़ानी चाहिए, ऐसे बंदूक आप नहीं दे सकते किसी को। एक बार बताइए तो कि इस बेटा इसका, अब उससे 3-4 प्रभाव देखे। पहला प्रभाव कि बेटे को बाप के काम से अब कोई मतलब नहीं है, पिता खेत जा रहा है, पिता को लग रहा है बेटा मेरा लैपटॉप में पढ़ रहा है। ये सोचने की चीजें हैं, आप डेवलपमेंट के नाम पे कहां। तो पहले आप कोई भी चीज दीजिए, कोई भी चीज लाइए सरकार के स्तर पे, एनजीओ के माध्यम से, हमारे यहाँ पे जो थिंक टैंक्स हैं उनके माध्यम से, समाज का जो एक एजुकेटेड वर्ग है उसके माध्यम से, एजुकेटेड छोड़िए, समाज का जो समझदार वर्ग है उनके माध्यम से, समाज में जो बहुत सारे रिलीजियस वर्ग बने हुए हैं इनका भी बहुत बड़ा कर्तव्य है, ये सब आकर सामने आए, एक सिविल सोसाइटी की जो बात करते हैं, सिविल सोसाइटी आए और आकर के लोगों को बताए, उनके इम्पैक्ट बताए और उनके प्रयोग का काम दे। 5G 4G ये सब जो आ चुका है, डेटा मिल रहा है, ये सब एक गलत हथियार है, हमें पकड़ा दिया गया है। इनका यूटिलाइजेशन यदि हमें पता चल जाए तो बहुत बेस्ट चीज है। वही चीज तो हमें, मुझे लगता है कि इसमें जो शिक्षा है ना उसको मजबूत करनी पड़ेगी, सबसे
अच्छी बात जो आपने कही कि ये इन सारे जो विशेष ग्रुप को है आपको एक साथ ला के शिक्षा की उस नींव को हमें बहुत मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल सब लोग जहाँ आप एक से, मुझे लगता है कि एक बेस्ट तरीका होगा कि अगर आप क्लास 1-5 में एक बड़ा सब्जेक्ट इथिक्स को रखें, है ना, एक बड़े सब्जेक्ट के रूप में आप चोट करें कि इंसान पहले अपना मूल्य समझ ले। बिल्कुल, ग्रेजुएशन लेवल तक भी आप रख सकते हैं। अगर वो स्टार्टिंग में अपना मूल्य समझ लेगा, अपना एक बेसिक उसका एक चीज डेवलप, तो वो हर चीज को यूज करने का समझेगा, उसको लगेगा कि नहीं 2 घंटा हो गया मुझे और भी चीज करनी है इसको बंद करते हैं, तो वो समाज में हर एक चीज़ को आके वैल्यू समझ पे। जो आप एक समस्या कह रहे थे ना कि सर आपको ये सब भी, मुझे लगता है अगर 5 क्लास तक उस बच्चे के अंदर नैतिकता आ जाएगी और जितनी भी समस्याएं हैं A-Z, चाहे वो महिला से समस्या हो, है ना, चाहे वो करप्शन का हो, कोई भी चीज़ हो, मुझे लगता है 1-5 तक के अगर आपने उसके अंदर इथिक्स डाल दिया, अगर आपने उसके अंदर नैतिकता डाल दिया, तो आने वाली पीढ़ी बहुत खूबसूरत होगी। वो हर चीज़ को करने से पहले सोचेगी, क्योंकि इनमें से किसी समस्या का समाधान ना तो सरकार कर सकती है ना तो हम कर सकते हैं। जब लोग समझें कि नहीं ये पैसा देना गलत है और पैसा लेना गलत है, तभी वो चीज़ बंद होगी। देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मेरा जो अनुभव रहा है ना, 1-5 तक जो आप कह रहे हैं गलत नहीं है, क्योंकि बच्चे में बेसिक फाउंडेशन क्रिएट होता है उस अवधि में। लेकिन एक बात समझिए, जब बच्चा आता है एजुकेशन सिस्टम में प्रवेश करता है, वो कोरा पन्ना होता है, एजुकेशन सिस्टम उसे सिखाना चालू करता है। इथिकल एजुकेशन की बात है तो मुझे लगता है इथिक्स एक ऐसा कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए जो सतत चलना चाहिए। क्यों? रीज़न ये है कि जब मैं पहली क्लास में था मेरे इथिक्स दूसरे थे, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम्स अभी नहीं आई हैं। 5वीं तक भी प्रॉब्लम्स नहीं आती, 10वीं तक भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। सामाजिक बुराइयां जो प्रवेश करना शुरू करती हैं 10वीं के बाद शुरू करती हैं, क्योंकि मैं फिर सोसाइटी को सही से समझने लगता हूं। पहले तो मैं गाइडेड फॉर्म पे चलता हूं, मैं रटंत पे चलता हूं, मेरा खुद का ब्रेन का विकास, मानवीय मनुष्य का विकास नहीं होता। आप बीटेक के बाद जो आपने लाइफ जी होगी वो 12वीं तक नहीं जी होगी। तो मानवीय वैल्यू उस समय के साथ इथिकल एजुकेशन को उसी हिसाब से मोल्ड करना चाहिए और इसको कभी खत्म नहीं करना चाहिए, कभी नहीं खत्म करना, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं तो कहता हूँ कि जब लोग सिविल लाइफ में आ जाएं, मान लीजिए मैंने एजुकेशन पूरी कर ली और मैं कैरियर में आ रहा हूँ, तो यहाँ के लिए एक अलग इथिक्स डेवलप करनी चाहिए, है ना। तो इथिक्स एक ऐसी वैल्यूएबल चीज क्रिएट करिए और उसको इतना इंपॉर्टेंस दे दीजिए कि कहीं ना कहीं पे मानव को ये समझ में आ जाए कि पहले इम्पोर्टेंस एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, जो इस धरा ने या ईश्वर ने हमें बनाया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हम सिर्फ मशीन बन के रह जाएं, उसको डिलीवर दुरुपयोग करना चालू कर दे चीज़ों का। हमारा काम है कि इस धरा पे रह करके एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरों के साथ जुड़ करके उनकी समस्याओं को समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना और उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, सबको अपना जैसे समझना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर ही भेदभावपूर्ण चीज़ें आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, है ना। तो क्लोज डाउन करते हैं इस सेक्शन को, काफी अच्छा लगा होगा आपको। एक लास्ट, आप जाते जाते बर्थडे का मैसेज लोगों को देते जाइए कि जैसे जन्मदिन मनाया जाता है, तो आप कहते हैं ना कि सफलता ही आपका जो होता है, जैसे कोई भी त्यौहार मनाया जाता है, हम लोग कोई भी त्यौहार मनाया जाता है, जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला बच्चा जो होता है उसके लिए कोई त्यौहार नहीं होता है जब तक वो तैयारी कर रहा है, उसके लिए हर दिन वो त्यौहार होता है जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो जन्मदिन ही क्यों ना हो। नहीं, इसको इसके बारे में बंधन मत रखिए इसको, मैंने हम वही बात, मुद्दा ये है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपकी ना कि आप सिविल सर्विसेज के आने के बाद अपने मौलिक अधिकारों को त्याग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आप अपने जीवन के पूरे पाप पैदा हुए सिविल सर्विस के लिए। सर जिस भी चीज को काम कर रहे हैं, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं सर, ठीक है, चाहे सिविल सर्विसेज नहीं हो, तो हम लोग उस चीज को सेलिब्रेट तब तक नहीं करते जब तक उस काम को हम कंप्लीट ना करें। आप 19 साल में जो होली खेले होंगे वो 25 साल में नहीं खेल पाएंगे, ना तो जो आप 10 साल में जो दिवाली मनाए होंगे वो नहीं मनाए। तो ऐसा नहीं, आप तैयारी करके उस टाइम को एंजॉय करिए, हर चीज का एंजॉय करिए, कुछ मत छोड़ के चलिए जिंदगी का। हर समय हर फेज ऊर्जा वो हर समय पे सेम नहीं रहेगी, उसका एक महत्व विशेष। कहने का मतलब बस ये है कि जीवन में जो भी अवसर मिले उनको फुली एंजॉय, फुल एंजॉय, चाहे पढ़ाई का अवसर मिले पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, चाहे खेलने का अवसर मिले खेल को एंजॉय कीजिए, घर में तिथि त्योहार प्रोग्राम हो उनको भी एंजॉय कीजिए, प्राथमिकता बना के रखिए। बस ये इंपॉर्टेंट रहता है कि लाइफ में ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए प्राथमिकता इसको जल्दी दूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मेरे घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव होगा और मैं उसको बिल्कुल त्याग दूँ, ठीक नहीं है, लेकिन मैंने प्राथमिकता पढ़ाई को दे रखी है, उसको मैं पहले जाऊंगा और फिर उसको मैनेज करने का कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा उसमें, सम्मिलित जरूर होगा। अब सब करिए, सब कुछ करिए और कुछ भी मत करिए,
अभी अद्वैतवाद हो जाएगा तो फिनिश चलिए फिनिश करते हैं, आप लगता है आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन हम लोग थोड़ी सी हो सकता है हम चर्चा करें कि स्पिरिचुअलिटी का क्या आपका महत्व है आपके जीवन में, लेकिन वो उसके लिए एक अलग कंडीशन पे हम जाएंगे, एक अच्छी लोकेशन पे, आपको भी मजा आएगा उस लोकेशन पे बैठ के बात करते हुए। जरूर मुझे लगता है कि होप आप सभी इंजॉय करेंगे इस सेक्शन को। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।